आज हम लोगों की जीएसटी की पहली क्लास है। पहली क्लास जीएसटी की जो होती है वो इंट्रोडक्शन की क्लास होती है, पर जीएसटी आज किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। इट इज वन ऑफ दोस टैक्सेस इन इंडिया जो सबको पता है। इवन एक जो मतलब नॉर्मल हॉकर होता है ना, वो भी जानता है जीएसटी क्या, बिकॉज इसका इतना न्यूज मचा था। डीमोनेटाइजेशन जब हुआ 8 नवंबर 2016, तो अचानक से जो आम जनता थी जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, अचानक से दे गॉट इंटरेस्टेड। अब उनको सारा न्यूज चाहिए था, बिकॉज 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन का जो न्यूज आया, इट वाज सो हैवी, सबको असर पड़ गया उसका। ठीक है, तो उसी के जस्ट बाद तो जीएसटी आया। जीएसटी बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम विच डेट, 1 जुलाई 2017। तो जो लोग टैक्स जरा सा भी नहीं जानते थे, आम आदमी नॉर्मल जिनका कोई वास्ता नहीं, हॉकर शॉपकीपर, वो भी सीख गए जीएसटी जीएसटी बोलना। ठीक है, तो जीएसटी किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी टैक्स जो आता है उसके ऊपर एक कानून होता है, तो जीएसटी के ऊपर भी कानून है, जीएसटी एक्ट 2017, पर इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कानून भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का वगैरह। तो जो भी कानून निकल रहा है वो कहां से निकलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो जीएसटी इज वैलिड, इसकी वैलिडिटी को बार बार अपहेल्ड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कुछ चेंजेस किए गए थे, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे ताकि जीएसटी को अडॉप्ट किया जा सके। आज की क्लास में मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पर चर्चा करने वाला नहीं हूं। आज की क्लास बहुत प्रैक्टिकल क्लास है, मैं जीएसटी के ऊपर एकदम स्ट्रेट बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले जीएसटी के बारे में तुमको मैं शो कर रहा हूं। ये देखो, ये जीएसटी का साइट है, एक बार फुल फॉर्म पढ़ो क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तुम नोटिस करो गुड्स और सर्विसेज दोनों में प्लूरल है, दोनों में प्लूरल है, इट्स गुड्स। गुड्स तो कभी हम लोग गुड बोलते भी नहीं, वी ऑलवेज से गुड्स, पर सर्विस की आदत पड़ जाती है, सर्विस टैक्स, इट्स नॉट सर्विस, इट्स सर्विसेज टैक्स। इसके पहले जो टैक्स हुआ करता था उसको सर्विस टैक्स बोला जाता था। ठीक है, जैसे मैं आज कोचिंग टीचर हूं, मैं 18% जीएसटी दे रहा हूं। पहले मैं क्या दे रहा था, 2017 जुलाई के ठीक पहले आई वाज पेइंग सर्विस टैक्स, इट वाज नॉट कॉल्ड सर्विसेज टैक्स, इट वाज सर्विस टैक्स, बट अभी इसको क्या बोलते, देखो सर्विसेज। तो ये जस्ट मैंने तुम्हारे एक नॉलेज के लिए बता दिया कि दोनों वर्ड क्या, प्लूरल फॉर्म है, गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी का मेन वेबसाइट जो तुमको ऊपर दिख रहा है, ये सरकार का वेबसाइट है, इसका आईडी है gst.gov.in, ये साइट है। अच्छा, ये जो पूरा ये जीएसटी है, ये किस मंत्रालय, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। अभी तुम खाली मतलब बोर्ड वो साइड में तुम खाली एकदम सुनते जाना ध्यान से, पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान दूंगा जीएसटी का, आगे तक की बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मिनिस्टर कौन है राइट नाउ, श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो उनका ऑब्वियसली फोटो तो चाहिए, ये रहा फोटो डाला इन्होंने वेबसाइट पर। ठीक है, शी इज द मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज वेल एज एमसीए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारे लिए टैक्स है एक बोझ है, वो सरकार के लिए क्या है, रेवेन्यू है। हम लोग के लिए जो टैक्स एक बर्डन है, सरकार के लिए क्या है, रेवेन्यू, वरना देश चलेगा कैसे। तो ये टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी बनती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बनती है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री टैक्स इतना बड़ा क्षेत्र है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसके लिए दो सेपरेट बोर्ड्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, एक का नाम रखा सीबीडीटी, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो तुम्हारे डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, इनकम टैक्स। तो यार जब भी अपने इनकम टैक्स का नाम सुनते हैं तो ऊपर सीबीडीटी का नाम आएगा, किसका नाम आएगा, सीबीडीटी। मैं आज थोड़ा नोट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन है, ये सब चीजें नोट्स में डाली हुई है, तो खाली बस सुनो और याद करो। ठीक है, इनकम टैक्स का जब भी नाम आएगा, इनकम टैक्स का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, तो वो नोटिफिकेशन कौन लेके आएगा, सीबीडीटी, फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जिसमें इनकम टैक्स आता है। और क्या आता है, ये जो जीएसटी है, जीएसटी के लिए इन्होंने अलग से एक बोर्ड क्रिएट किया जिसका नाम रखा सीबीआईसी, सीबीआईसी, सीबीआईसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ, आई से इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सी से कस्टम। ठीक है, कस्टम अलग है, जीएसटी अपना अलग है। तो अब जीएसटी के अंदर अगर कोई भी नोटिफिकेशन लाएगा तो वो कौन लेके आएगा, सीबीआईसी। ठीक है, तो जनरली जब हम लोग टैक्स पढ़ते हैं ना, तो हमारे सामने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नाम नहीं आता, हमारे सामने नाम कौन सा आता है, सीबीडीटी या सीबीआईसी। अब हम लोग तो पढ़ने जा रहे हैं ये जीएसटी, तो जीएसटी में मैं नाम किसका सुनूंगा, सीबीआईसी, मैं सीबीडीटी का नाम नहीं सुनूंगा। अच्छा, सीबीआईसी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है।
फुल फॉर्म सबको पता है, वो लिखा हुआ भी है नोट्स में, तो उसको कौन बार बार लिखे, टाइम वेस्ट करे। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ आई से इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, यहां तक एक बेसिक समझ में आ रहा है। नाउ जीएसटी की दो वेबसाइट्स, जीएसटी की दो वेबसाइट्स जो मैं शो कर रहा हूं तुम लोग को, चेंज करूं ये देखो यार, ये एक वेबसाइट है जो ब्लू कलर का, इसका तुमको एक नोट दिख रहा है, पूरा एक लुक्स दिख रहा है। ये जीएसटी का मेन साइट है, इसका नाम है gst.gov.in। ये मेन साइट है, सारा पेमेंट वेमेंट जो होता है ना जीएसटी का, वो इसी के थ्रू होता है। जैसे मेरा हर महीने जीएसटी का पेमेंट है, हर महीने मतलब क्या होता है, इस महीना जो भी सेल्स हुआ, इस महीने जो भी सेल्स हुआ, मतलब सेल्स मतलब फीस कलेक्टेड हुआ, एनरोलमेंट हुआ, फ्रेंचाइज से कलेक्शन आया, उसका जीएसटी मेरे को अगले महीने की 20 तारीख तक देना पड़ता है। नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख तक मेरे को देना पड़ता है। कहाँ पेमेंट होता है, इसी में जाके पेमेंट होता है, इसी साइट पे, ठीक है। इसी साइट के अलग अलग वर्जन आते हैं, उसी में पेमेंट होता है। एक और साइट है साइट का नाम क्या लिखा है देखो तो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक एक्स्ट्रा काउंसिल, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। वेबसाइट का नाम है gstcouncil.gov.in। ये जीएसटी काउंसिल अलग से बनाना पड़ा क्योंकि जीएसटी अभी भी इवॉल्व हो रहा है, अभी भी जीएसटी फाइनलाइज नहीं हुआ है। हर 6 महीने में प्रचुर मात्रा में इसके ऊपर अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, अभी भी इट इज अंडरगोइंग चेंज। मतलब जो चीज May 20 के लिए अपने बात करेंगे, November 20 के लिए हो सकता है वो बदल जाए। May 21 के लिए तो डेफिनेटली बदलेगा ही, पर वो May 20 से November 20 के बीच में भी बदल सकता है। कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, कुछ ना कुछ लोग चेंज करते रहते हैं, ठीक है। फिर जीएसटी में एक नारा बहुत फेमस है, ये देखो नारा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ये खुद गवर्नमेंट यूज कर रही है ये नारा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो हाउ इज इट 111, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दैट थोड़ा सा बाद में, ठीक है। अभी ये क्लियर है जीएसटी काउंसिल। नाउ स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट डाउट है जो तुम लोग साथ डिस्कस करने का है। ओके, यू नो दैट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द अर्लियर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ कन्वर्टेड इन टू 2 यूनियन टेरिटरीज। पहला नाम क्या है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, और दूसरा नाम क्या है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। नाउ गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, और वो नोटिफिकेशन आया था 30 अक्टूबर को, ठीक है, 30 अक्टूबर 2019 को, कि अब से हिंदुस्तान में जितने भी कानून है, जहां जहां लिखा हुआ है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, उसमें अब एक्सेप्ट हट जाएगा, अब वो इंक्लूड होने लगेगा। नाउ इट विल बिकम एप्लीकेबल ऑन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये आया था, ठीक है। परंतु क्या हुआ, जीएसटी को लेके बहुत पंगे हैं, तो बाकी सब कानून पे ही अप्लाई कर दिया, जीएसटी के लिए अभी भी नोटिफिकेशन आया, इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, इन्होंने तारीख कर दी कि जीएसटी के लिए अभी भी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर माना जाएगा। जीएसटी के लिए अभी भी क्या माना जाएगा, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट विल बी रिगार्डेड एज यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 1st जनवरी 2020, जो अभी भी गया न्यू ईयर 1st जनवरी 2020। अब तुम ही सोचो, अगर जम्मू कश्मीर को हम लोग स्टेट के बदले यूनियन टेरिटरी मान रहे हैं, वो भी 1st जनवरी 2020 से, तो क्या वो May 20 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा, May 20 के लिए नहीं। May 20 एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल होता है द नोटिफिकेशंस व्हिच हैव कम टिल 6 months अर्लियर, 31 अक्टूबर। यानी May 20 में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, उनके लिए जम्मू कश्मीर अभी भी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर या लद्दाख नहीं है। इस बात को लेके सीए इंस्टीट्यूट का भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है, 27 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था। मैं एक बार शो कर रहा हूँ, पेज बता रहा हूँ नोट्स में, पेज नंबर 7 पे आओ। ये जम्मू कश्मीर का एक डाउट रहता है स्टूडेंट का, तो पहले से ही जान के चलो, तो अगर आप May 20 में एग्जाम दे रहे हो, तब वो नोटिफिकेशन तो पोस्टपोन कर दिया गया, तो इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है पढ़ो, द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड एज यूनियन टेरिटरी ऑफ जेके एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, करेक्ट, ऑन 31 अक्टूबर 2019। हाउएवर ये 31 अक्टूबर का नोटिफिकेशन भी अब पोस्टपोन हो गया। देखो नीचे एक बार देखो, ये सीबीआईसी का नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको, नीचे वाला हेडिंग पढ़ो तो क्या लिखा है, सीबीआईसी नोटिफिकेशन नंबर 3/2020 डेटेड 1st जनवरी, बोला वो जो 31 अक्टूबर है ना, फॉर जीएसटी पर्पस, फॉर जीएसटी, उसको आप क्या मानोगे, 1st जनवरी। तो अगर वो 1st जनवरी से अप्लाई करेगा तो May 20 के लिए तो एप्लीकेबल है नहीं, इंस्टीट्यूट ने भी निकाल दिया हाइलाइटर, ये अंडरलाइन कर सकते हो।
भाई किनको इनको नोट्स नहीं मिला, हाथ उठा दो, इधर सामने दे देना, ठीक है। क्या लिखा पढ़ो तो, शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर मे 20 एग्जाम। तो सबसे पहले तो तुम लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारा मे 20 में पड़ेगा, तो तुम ये मान के चलो तुम्हारे लिए जम्मू कश्मीर अभी भी वही पुराना वाला है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके। तो वो अभी दो यूटी में डिवाइड नहीं हुआ है, ये क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ये यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, नहीं होती हैं, इसकी वजह से CGST, SGST, IGST आ जाता है, तो इसीलिए जानना जरूरी है। तो शुरू में बता दिया कि जम्मू कश्मीर को लेकर प्लीज टेंशन मत लेना, बाकी सारा कानून में जम्मू कश्मीर का दो टुकड़ा हो चुका यूटी, लेकिन फॉर GST जम्मू कश्मीर माने अभी तो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है, ओके विद दिस, ये क्लियर है सबको, ठीक है, यहां तक ठीक है ना, ओके। नाउ मैं तुमको थोड़ा सा एक बार शो करता हूं कुछ GST के रेट्स, एक बार देखते हैं। चलो देखो, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लास नहीं ले रहा मैं कि एक GST क्या होता है, स्टार्ट करूंगा डिस्कशन की इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव, वो सब थोड़ी पुरानी बातें हो गए, वो कहीं ना कहीं हम लोग सुन चुके होते हैं पहले से। तो अब थोड़ा सा असली चीज पे कूदो ना, सीधा मेन चीज पे आओ, ठीक है, थोड़ा मेन चीज पे कूद रहे हैं सीधा, ओके। ये देखो GST रेट्स ऑफ टैक्स, पहुंच गए सबके सब, ठीक है। तो GST का रेट ऑफ टैक्स मेरे को जानना है, एकदम एक आम आदमी के एंगल से सोचो कि GST हम लोग को कितना अफेक्ट कर रहा है। एवरी गुड्स एंड सर्विस ऑलमोस्ट दैट वी कंज्यूम कंटेन्स GST कॉम्पोनेंट, एंड इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कितनी है, आप कम कमाते हो या आप ज्यादा कमाते हो, आप जो भी प्रोडक्ट लोगे उसमें GST इंक्लूडेड रहेगा। तो GST का असर सब पे बराबर पड़ रहा है, सब पे उसका असर पड़ रहा है। तो GST के थोड़ा रेट्स को आप देखो जरा, क्या लिखा है पढ़ते हैं, पहला रेट क्या लिखा है देखो, तो 0.25 से लेके 3% ज्वेलरी वगैरह होता है ना, ज्वेलरी का परचेज सेल, उस पर भी GST है, ठीक है, उस पर भी क्या है GST है, पर क्योंकि वो महंगा कमोडिटी है तो उस पर GST का रेट थोड़ा कम है, ठीक है। सेकंड पॉइंट रेट क्या लिखा है बोलो मेरे को, 5%। अच्छा 5% के सामने देखो क्या लिखा है, मास कंजम्पशन कॉमन पीपल, वो सारे सामान जो आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है, कंज्यूम करते हैं, उन पे GST का रेट कम है। कितना GST का रेट है, 5%। अच्छा 5% तुम सबने देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है 5% GST रेट, रेस्टोरेंट में, तुम रेस्टोरेंट में खाने जाओ, कोई भी मैकडोनल्ड्स बोल लो, एनी रेस्टोरेंट यू गो, ठीक है, 5-स्टार छोड़ के, ठीक है, 5-स्टार में मत घुस जाना, 28% लगा देगा, रोते रोते बाहर आओगे खाना बाहर निकल जाएगा बॉडी से, ठीक है। तो 5-स्टार छोड़ के किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, कितना रेट पड़ेगा GST का, 5%, उसमें लिखा रहता है 2.5% CGST, 2.5% SGST। तुम ये डोमिनोस मंगाते हो अपने घर में कभी भी, ठीक है, उसमें भी वही ढाई ढाई जोड़ा हुआ रहेगा 5%, शुरू में वो 18 था, खाना बंद हो गया था एकदम, बाद में कितना हो गया 5, तो अब सब औकात के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया 5%। जो स्टैंडर्ड रेट चलता है GST का वो क्या है, 12 और 18। मेरी जिंदगी में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल एकदम तुमको बता रहा हूँ जो मैं झेलता हूँ, मेरी जिंदगी में, मेरे बिजनेस में जो दो रेट्स मेरे को अफेक्ट करते हैं वो यही है 12 और 18। कैसे, आई विल टेल यू, ठीक है। ए भाई देखो, ऐसे 5% तो मेरे को पर्सनल जीवन में अफेक्ट करता ही है, ठीक है, 5% कभी रेस्टोरेंट वगैरह में खाने गए तो 5% लगता है, ज्वेलरी वगैरह में जल्दी से अफेक्ट करता नहीं बिकॉज खरीद नहीं पाता, ठीक है, तो वो 3% वाला वो बस शादी के टाइम पे एक बार आया था ज्वेलरी, फिर आए ही नहीं इधर, तो ज्वेलरी वाला उतना अफेक्ट नहीं करता, बट ज्यादा अफेक्ट मेरे कौन करता है बिजनेस में, 12 और 18। कैसे, मैं तुम लोग को जो सर्विसेज दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं कोचिंग सर्विसेज, ट्यूशन सर्विसेज, कोचिंग सर्विसेज और ट्यूशन सर्विसेज पे कितने का GST है, 18% है। देखो मैं स्कूल नहीं हूँ, मैं कॉलेज नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी नहीं हूँ, मैं CA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट नहीं हूँ, अगर मैं ये सब कुछ होता ना तो 0 होता, तो मेरा GST कितना होता, 0। तुम लोग इंस्टीट्यूट के पास एनरोलमेंट करा रखे होगे, CA, CS, CMA कोई इंस्टीट्यूट के पास, तुम BCOM भी पढ़ रहे होगे, उसमें कहीं पे भी देखना तुम्हारे फीस में GST जुड़ा हुआ नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर रिगार्डेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आई एम नॉट रिगार्डेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन दैट वे, ठीक है, एक तरह से है भी और नहीं भी,
तो मेरे ऊपर तो पूरा 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। तो कोई भी फीस इनवॉइस जो मैं तुम लोग को इशू करता हूँ उसको बोलते हैं जीएसटी इनवॉइस। क्या बोलते हैं? तुम लोग देखो जो इनवॉइस तुमको देता हूँ उसमें कितना तोड़ फोड़ के डिटेल नहीं लिखा रहता, वो डिटेल देना मेरी मजबूरी है बिकॉज जीएसटी लॉ रिक्वायर्स कि व्हेन अ सप्लायर, आई एम अ सप्लायर, अरे आई एम सप्लाइंग यू वॉट रे सर्विसेज, सो आई एम अ सप्लायर, व्हेन एवर अ सप्लायर इश्यूज इनवॉइस टू द बायर, टू द हूम बायर, तो उसमें जीएसटी कंपोनेंट का पूरा ब्रेकअप रहना चाहिए, मेरा जीएसटीन नंबर डिस्क्लोज रहना चाहिए, मेरा पैन नंबर डिस्क्लोज रहना चाहिए, ए टू जेड हैज टू बी डिस्क्लोज। इसीलिए तुम देखो कि मैं इनवॉइस देता हूं उसमें सब कुछ रहता है। तो मेरे पे जीएसटी कितना लगता है? 18%। अच्छा तुमने देखा होगा 18% में 9% किसको जाता है? सीजीएसटी फुल फॉर्म, और 9% किसको जाता है? एसजीएसटी, किसको? स्टेट को। तो बंटवारा हो गया 9-9, मतलब आज मैं जो भी एफर्ट डाल रहा हूं, मैं जो भी पढ़ाई कर रहा हूं, जो भी मेरी कमाई का 9%, कमाई नहीं टर्नओवर का 9% किसको जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, जो मेरे स्टेट के डेवलपमेंट में यूज होगा, और 9% किसमें जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे इंडिया के लिए यूज होता है। ठीक है, ये है क्लियर। तो 18% तो तुमको दिख गया मेरे लाइफ में, 12% मेरे को कैसे अफेक्ट करता है मैं बताता हूँ। बुक्स होती है ना, मेरा जो भी बुक्स वगैरह आता है प्रिंट होके जो मैं तुम लोग को देता हूँ, बुक्स जो मेरी प्रिंट होके आती है उस पर 12% जीएसटी है। कितना जीएसटी है? 12%। ठीक है, तुमको मेरा स्टोरी समझ में आ रहा है ना? राइटअप आज ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, सुनना एक बार। तो जो भी बुक्स मैं खरीदता हूँ, मैं बुक्स किससे लेता हूँ? मंजरी एंटरप्राइज बोल के उमंग भैया उससे लेता हूँ। तो उस पर जो भी बुक्स का जो भी बिल आता है उस पर हाउ मच जीएसटी इज दैट? 12%। तो अब 12% मैं देता हूँ एज इनपुट जीएसटी। ठीक है, और तुम लोग के ऊपर जो मैं सर्विसेज तुमको दे रहा हूँ उस पर जीएसटी कितना लगता है? 18%। तो मेरी लाइफ में दो स्टैंडर्ड रेट्स कौन से हैं जीएसटी के? 12 और 18। ये मेरे बिजनेस में, और मेरे जो पर्सनल लाइफ में आता है रेस्टोरेंट उस पर कितना है? 5%। Now I'll show you something different. इधर देखो, ये आपको अगला दिख रहा है 28%। ये बात पढ़ो तो क्या लिखा सामने 28% के? वाइट गुड्स का मतलब तुम समझो क्या होता है? घर में जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज यूज होते हैं ना, घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज यूज होते हैं, ठीक है, फर्नीचर का हिस्सा जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, आयरन, इन सबको क्या बोलते हैं? वाइड गुड्स। इन पे रेट कितना है? 28%। सामने पढ़ेंगे एक बार, मीत एक बार जोर से पढ़ दो। तो इन पे कितना जीएसटी लगेगा अपना? 28%। ये क्लियर है? अब कुछ जबरदस्त होने जा रहा है। जितना भी लग्जरी गुड्स है, ठीक है, एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो लग्जरी कार देख रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लग्जरी कार? जिसका इंजन 1500 सीसी से ऊपर है, ठीक है, लग्जरी कार। लग्जरी कार का मतलब क्या है? मर्सिडीज नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत हाई है, इनका स्टैंडर्ड बहुत लो है। इनके लिए लग्जरी कार का मतलब क्या हुआ? जिसका इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी के ऊपर है। तुम मेरे से सुन लो, कोई भी गाड़ी जो 10 लाख के रेंज के आसपास आती है, 10 लाख या 10 लाख रुपए के ऊपर, वो लग्जरी कार है इनके हिसाब से। 10 लाख रुपया या 10 लाख के ऊपर की जो भी गाड़ी आती है उनका इंजन कैपेसिटी तुम देखोगे ना 1500 सीसी के ऊपर रहता है, तो उनके हिसाब से क्या है? वो लग्जरी कार है। वरना सुने, वरना ह्यूंडई का गाड़ी है वरना, ठीक है, तो ह्यूंडई वरना अराउंड 13-14 लाख का गाड़ी है। ह्यूंडई वरना उसका इंजन कैपेसिटी है 1600 सीसी, हिंदी समझ रहे, 1600 सीसी। ह्यूंडई वरना इज सो कॉमन, तुम नीचे रोड पे खड़े हो जाओ, तीन गाड़ी गुजरेगा उसमें से एक निकलेगा ह्यूंडई वरना, ठीक है। कितना इंजन है उसका? 1600 सीसी। तो वो इनके हिसाब से क्या है? लग्जरी कार। तुम रेट सुनोगे जीएसटी का, दिमाग फट जाएगा उस पर। उसका रेट है जीएसटी का 28% तो है ही, ये दिख रहा है बाजू में 28% प्लस बगल में क्या लिखा है? कंपेंसेशन सेस। कितना? ये बिल है मेरे पास, ठीक है, ये वरना का बिल, ओके। ये वरना की गाड़ी में 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी, तो 14 14 28%, सेस 20%, टोटल टैक्स कितना? 48%। मतलब वरना गाड़ी में जो पैसा मैं दिया उसमें 48% किसको गया? गवर्नमेंट के पास गया 48%। स्टेट किसके पास? गवर्नमेंट के पास। इनका लग्जरी कार का मतलब सोच रहे हो ना, मतलब कितना
लेवल लो है। फिर ये दूसरी गाड़ी जो मैंने ली थी इलांट्रा, इलांट्रा अराउंड 21-22 लाख की गाड़ी है। इलांट्रा पे भी वही, अभी ये तो वरना के ऊपर है तो इसका तो इंजन और भी बड़ा है, इसका 2000 सीसी का इंजन है तो 1500 सीसी के ऊपर है ना। इस पे 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी, 20% सेस, कितना टैक्स हुआ 48%। तो इमेजिन करो एक गाड़ी अगर तुम खरीदते हो तो उस पर कितना सरकार के पास टैक्स जा रहा है, 48% स्ट्रेट, 48% स्ट्रेट इज द टैक्स कॉम्पोनेंट। तो अगर ये टैक्स कॉम्पोनेंट हटा दो तो गाड़ी कितनी सस्ती हो जाएगी। ओके अभी देखते जाओ बस। ओके ये देखो कोका कोला, कोका कोला पे गाना भी है ना, इधर देखो मैं नहीं गाने वाला, इधर सीरियस हो जाओ, सॉरी सीरियस हो जाओ। एरेटेड वाटर का मतलब होता है वो जो सोडा बेस्ड कोल्ड ड्रिंक होती है ना उनको एरेटेड बोलते हैं, ठीक है। जो भी सोडा कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं जैसे ये पेप्सी, थम्सअप, कोका कोला, ये सोडा होता है कार्बोनेटेड वाटर वही, तो उसको बोलते हैं एरेटेड वाटर बेवरेजेस। इनपे 40% टैक्स, 28% तो वो हुआ क्या नाम है तुम्हारा जीएसटी, और सेस होता है 12%। कितना पड़ा भाई 40%, देख रहे हो। देखो इसलिए मैं सोचा कि आज पहली क्लास है तो थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, संविधान वगैरह के बारे में क्या मैं चर्चा करूं, जानते हो वो मोनोटोनस हो जाता है सीधा एकदम प्रैक्टिकल। देखो ना ये हो रहा है बंबू। अच्छा जो लोग भी ये सब खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उन गुड्स को देखो, मेरा का नाम क्यों ले रहा है, मैं ये सब नहीं खाता। अच्छा अरे हाँ ये चुप नहीं रह सकता, पढ़ो तो एक बार नाम क्या लिखा है, डीमेरिट, डीमेरिट गुड्स मतलब वो गुड्स जो गंदे गुड्स हैं, पान मसाला, टोबैको, दारू नहीं है इसमें, दारू का सीन अलग है, ठीक है। तो ये पान मसाला टोबैको वगैरह पे सेस का रेट देखोगे कितना है बताता हूं, दो सौ, ये सेस का रेट है। जीएसटी कितना है 28%, सेस कितना डाला, कहीं कहीं 290 भी है, कहीं कहीं इसका पूरा चार्ट है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। कहीं कहीं कितना है 290%, मतलब कोई इंसान जो रजनीगंधा खरीदता होगा, रजनीगंधा यू नो मुंह में रजनीगंधा, कदमों में वही, अरे प्रियंका चोपड़ा खाती है ना रजनीगंधा, वायर करती है ना उसका, ठीक है। तो हाँ ठीक है इधर, तो उसपे 20 रुपए का अगर कोई पैकेट खरीद रहा है सपोज रजनीगंधे का, उसमें टैक्स कितना है तुम देख लो। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती तो ये सब कितने सस्ते हो जाते, पर ये सब हो गए भयंकर महंगे। और गवर्नमेंट ने इसको एक नाम दे दिया, बोला इनका नाम है देखो ब्लू कलर में क्या लिखा है, हाँ डीमेरिट गुड्स, ये सब गंदा गुड्स है इसलिए इस पर ज्यादा टैक्स देंगे ताकि तुम लोग कम खाओ, ठीक है, क्लियर है। सबसे खराब पता है क्या सुनने में लगता है वो बताता हूं मैं, लग्जरी कार देख रहे हो, हाँ लग्जरी कार, इनका एक तो लग्जरी कार का पैमाना बहुत नीचे है। हम लोग सब लग्जरी कार किसको मानते हैं, मर्सिडीज बोलो या बीएमडब्ल्यू, ये सब ह्यूंडई को हम लोग लग्जरी नहीं मानते, ये लोग लेकिन मानता है। इनके हिसाब से 1500 सीसी के ऊपर का जो भी गाड़ी है वो क्या है, लग्जरी कार। लग्जरी कार को बोला जाता है, मैं बोलना नहीं चाहता था पर ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिन गुड, सिन गुड मतलब पाप। तो मतलब मैं अगर ह्यूंडई यूज कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, पाप, मैं पापी गाड़ी यूज कर रहा हूं, ठीक है, दे कॉल इट सिन गुड्स। ओके एक हंसना बंद करो, एक तरफ इतना भयंकर जीएसटी डाला गया और दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण बोलती है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो स्लो डाउन आया वो इसलिए आया बिकॉज तुम लोग उबर ओला कर रहे हो, ठीक है। रेट देखो तुम टैक्स का इनके ऊपर कितना है। अच्छा उबर ओला मोस्टली कौन सी गाड़ियां होती है, स्विफ्ट डिजायर बोला कोई ऐसे करके होता है, ये सब का जो दाम है वो 6-7 लाख के आसपास जाता है। तो ये इनका इंजन कैपेसिटी 1500 से कम होता है, इनका इंजन मैं तुमको बता दूं 1200-1300 सीसी के पास होता है। ये जो उबर ओला टाइप की जितनी गाड़ियां होती है ना इनको बोलते हैं एंट्री लेवल सीडन, क्या बोलते हैं एंट्री लेवल सीडन, तो इनका इंजन कैपेसिटी कम होता है 1200-1300 सीसी, तो इनको लग्जरी कार नहीं माना जाता, इन पर टैक्स रेट कम पड़ता है। ओके ये अभी रेट्स क्लियर है अपने को थोड़े,
तो चलो एक बार रेट्स को रिवाइज कर लेते हैं. ज्वेलरी पे कितना है, एक सेकंड, ज्वेलरी पे कितना है, 3%, 3%. कॉमन मास आइटम गुड्स उस पर कितना है, 5%. स्टैंडर्ड रेट्स क्या है, 12, 18. सबसे ज्यादा कॉमन है 18. सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, 18 सबसे ज्यादा कॉमन है. ठीक है. अच्छा फिर वाइड गुड्स भी कितना है, 28. जैसे ये ऊबर ओला टाइप का जो गाड़ी होता है ना, मारुति सुजुकी, क्या नाम था, स्विफ्ट डिजायर, उनपे खाली 28% हुआ जीएसटी, उनमें ये सेस नहीं है. ठीक है. और फिर नीचे 28% प्लस कंपनसेशन सेस, ये किन पे होता है, लग्जरी कार, एयरेटेड ड्रिंक्स मतलब बेवरेजेस सोडा वगैरह, और डीमेरिट गुड्स, पान मसाला, टबैको. क्लियर है. तो एक जीएसटी के रेट्स तुमको क्लियर है. ओके. एक जीएसटी का रेट्स का आइडिया पड़ा. नाउ ऊपर मूव करते हैं. जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन. ओके. जीएसटी के सिस्टम में इनपुट क्रेडिट मिलता है. जीएसटी के सिस्टम में इनपुट क्रेडिट मिलता है, ये ऑलमोस्ट सब जन को पता है, ये सुना होगा कहीं ना कहीं कि इनपुट क्रेडिट मिल जाता है. जैसे इनपुट क्रेडिट का मतलब मैं तुमको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ. तुम लोग को जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर जो मेरी फीस आती है, उस फीस पे जीएसटी होता है 18%. सो आई कैलकुलेट दैट इट कम्स टू से सम अमाउंट. ओके. और जो बुक्स मैं परचेज करता हूँ, जो बुक्स मैं परचेज नहीं मतलब बुक्स जो उमंग से बनवा के लेता हूँ, इस पर जीएसटी कितना पड़ता है, 12%. तो मैंने उमंग को जो जीएसटी पे किया, दैट इज फॉर मी इनपुट जीएसटी, दैट इज फॉर मी इनपुट, बिकॉज बुक्स आर एन इनपुट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज. व्हाट आर बुक्स, बुक्स आर एन इनपुट फॉर रेंडरिंग. सॉरी. तो अब वो जो 12% जीएसटी मैंने बुक्स पे दिया, वो मेरे लिए क्या है, आईटीसी, उसको बोलेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट. जब मैं ये 18% जीएसटी पे करूंगा आउटपुट पे, 18%, तो मैं उसको लेस कर दूंगा, मेरे को मिल जाएगा, बोलेगा कि वो जो 12% दिया था ना उसको आप लेस कर लो और जो बैलेंस है खाली उतना ही दो. ठीक है. तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवेलेबिलिटी. क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवेलेबिलिटी. ये सिर्फ बुक्स पे ही नहीं है, और भी चीजों पे है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कैपिटल गुड्स खरीदूं, जैसे ये प्रोजेक्टर खरीदा, सॉफ्टवेयर खरीदा, तो इन सब पे मैंने बहुत जीएसटी दिया. ठीक है. ये रॉ मटेरियल तो नहीं, ये तो मेरे लिए क्या है, कैपिटल असेट टाइप का है. तो इन पे जो भी मैंने जीएसटी दिया है उसका भी मुझे इनपुट क्रेडिट मिला है. अच्छा प्रोजेक्टर पे कितना जीएसटी, 28%. ए प्रोजेक्टर वाइड गुड्स में आएगा कि नहीं आएगा, देख वाइट रंग का है, मतलब नॉट लाइक दैट बट इट्स अ टाइप ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, तो इस पे जीएसटी कितना है, 28%. तो मेरे को इस पे भी इनपुट क्रेडिट मिलता है. ठीक है. अब मैं तुमसे थोड़ा सा बैकड्रॉप, पुरानी स्टोरी डिस्कस करता हूँ. जुलाई 2017 के जस्ट पहले मेरे पर क्या एप्लीकेबल था, सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स का रेट उस वक्त 15% था. कितना था, 15. जस्ट इमेजिन करो, ये सेंटर मैंने स्टार्ट किया था जनवरी 2017 में, जीएसटी के 6 महीने पहले. जीएसटी अपना कब आया, जुलाई 2017 को. कब चालू किया सेंटर, जनवरी 2017, 6 महीना पहले. उस वक्त सर्विस टैक्स कितना चल रहा था, 15% सर्विस टैक्स. जुलाई 2017 में जैसे जीएसटी आया, मेरे ऊपर रेट क्या लगने लग गया, 18%. ऊपर से लगेगा दैट ये मेरा नुकसान हो गया, बिकॉज रेट अब 3% और बढ़ गया. पहले मैं पे कर रहा था फीस के ऊपर 15/115, समझ रहे हो क्या मैथ्स, फीस के ऊपर कितना पे कर रहा था, इट्स नॉट 15/100, इट इज 15/115. अभी मैं कितना पे कर रहा हूँ, 18/118. तो ऊपर से लगेगा कि आई एम पेइंग 3% टैक्स मोर, बट नो, इनफैक्ट फायदा हुआ. फायदा कैसे हुआ वो मैं तुमको बताता हूँ. वो जो 6 महीने का पीरियड था 2017 वाला, जैन से लेके जुलाई, उस वक्त ना जीएसटी आया नहीं था. उस वक्त बुक्स के ऊपर वैट लगता था. बुक्स के ऊपर क्या लगता था, वैट का फुल फॉर्म. देखा, ये सब जानते हो, इसीलिए बोला ये सबसे चालू करके फायदा नहीं है, पकाऊ हो जाएगा फालतू. तो मालूम है तुमको वैट क्या है. ओके. तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन. तो पहले क्या था, वैट था. बुक्स पे वैट सिर्फ 5% था. कितना था, 5. आज बुक्स पे जीएसटी कितना दे रहा हूं मैं, 12%. लेकिन तब मैं बुक्स पे वैट कितना दे रहा था, 5%. पर पता है क्या लफड़ा था, तुम गेस कर लो. जो 15% सर्विस टैक्स में दे रहा था उसमें मुझे 5% वैट का इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ करने नहीं मिलता था.
तो जो 15% सर्विस देना टैक्स देना पड़ता था वो तो मेरे पे पूरा बोझा हो ही गया, प्लस ये जो 5% का ये था ना, क्या नाम है इसका, वैट, ये भी अलग से चिपता था बिकॉज इसका मेरे को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। एक नंबर बात, दो नंबर बात सुनो, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, ये जीएसटी अगर 6 महीने पहले आ जाता तो मेरा कितना फायदा होता। 6 महीने पहले बस आ जाता, सारे पूरे सेंटर का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, जनवरी 2017, जीएसटी था नहीं। सेंटर कंस्ट्रक्शन के दौरान दुनिया भर का मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा कि नहीं लगा? इस सेंटर के अंदर अराउंड 34-35 तो एसी है, 2 टन वाली, ठीक है, एक और ये सब कमर्शियल एसी, ये सब रेसिडेंशियल एसी नहीं। एक तो रेसिडेंशियल एसी होता है उसका रेट कम होता है, और एक होता कमर्शियल एसी क्योंकि 12-12 घंटा चलता है। अपने घरों में भी तो एसी है, पर घर में क्या एसी 12 घंटा चलाते क्या, अपने बीच में चलाते हैं। ये सब कमर्शियल एसी है, तो काफी महंगी थी। 35 एसी हर रूम्स में, इतने सारे जो रूम्स है सब में प्रोजेक्टर, सब में टेलीविजन, ठीक है, फिर ये फर्नीचर फिक्स्चर ऑल दैट सब कुछ बना। इट वॉज अ ह्यूज एक्सपेंडिचर। उस वक्त मेरा एक्सपेंडिचर 1.25-25 के बीच में चला गया था, ठीक है, पर उस पर जो मैंने टैक्स दिया उस पर भी तो वैट वैट था सब पे, उसका मेरे को कोई इनपुट नहीं मिला, कोई इनपुट नहीं। तो एक तो जो मैं बुक्स खरीद रहा था उस पर 5% वैट का मेरे को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था, प्लस जो मैंने इतना भयंकर कैपेक्स किया था उस पर जो मैंने टैक्स दिया था खरीदते वक्त, उसका भी मेरे को इनपुट नहीं मिला। और आज क्या सीन है, आज बुक्स पे मैं 12% देता हूं फिर भी मेरे को तकलीफ नहीं होता, 5 का 12 हो गया फिर मेरे को तकलीफ नहीं, क्योंकि वो 12% का मेरे को क्या मिल जाएगा, इनपुट क्रेडिट। तो मेरे को तकलीफ है क्या उसका, नहीं। ये सब जितना भी अब इक्विपमेंट्स अब अगर खरीदें तो इस पे जो भी जीएसटी लगता है से 28%, तो उसका मेरे को इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, तो मेरे को चुपता नहीं है। तो तुम जस्ट इमेजिन करो, 6 महीने पहले आ गया होता तो इतना सारा जो कैपेक्स हुआ उसमें इतना सारा जो इनडायरेक्ट टैक्स पे हुआ उसका मेरे को इनपुट आराम से मिलता, जो नहीं मिला उस वक्त। अच्छा, क्या ऐसा कर सकते थे क्या, जुलाई के बाद जब आया तो मैं पुराना बिल दिखा के बोलूं दे दो? नहीं, वो तो हो नहीं सकता। इट इज प्रोस्पेक्टिव, इट्स नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। सीन क्लियर है? तो जीएसटी आने से एक्चुअली में फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। ये चीज समझ में आ रही है? ये पहले क्लियर है एकदम, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेसिक्स, मैं बेसिक्स में बहुत ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा। जो एग्जाम ओरिएंटेड है उस पर समय वेस्ट करूंगा, पर जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं उस पर ज्यादा समय नहीं। क्या हमारे सामने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, थोड़ा हम लोग आगे पीछे जाते रहेंगे, हाँ, ये नहीं कि भाई लाइन से सीरियल ऑर्डर में चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। टैक्स इधर देखो, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, वेरी सिंपल। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन स्ट्रेट अवे पर्सन के ऊपर पड़ता है, ठीक है। इनकम टैक्स मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स क्या मैं बिल में जोड़ के तुमसे लेता हूं, क्या मैं बिल में अलग से दिखा के जोड़ के लेता हूं? अब तुम बोलोगे सर आप कहीं ना कहीं तो अपना फीस बढ़ा के रखेंगे उसके लिए, वो बात और है। हंसने का कैसा है, वो तो मेरे को मालूम रहता है कि जब भी मैं सेल कर रहा हूं उस पर मेरे को इनकम टैक्स 30% देना पड़ेगा। एलएलपी पे 30% का रेट है, एलएलपी के नाम से बिल करता है ना, तो एलएलपी में तो स्लैब, मेरा बात समझ में आ रहा है ना कि थोड़ा ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। एलएलपी पे मेरा इंडिविजुअल फाइल अलग है, पर तुम लोग को जो बिल मिला है वो तो एलएलपी के नाम से मिला है ना, तो एलएलपी पे कोई स्लैब नहीं होता, वो 2.5 लाख 5 लाख वो सबका। एलएलपी पे सीधा 30% है, कंपनी पे 25% है, पर मेरा एलएलपी उस पर 30% है। तो जब मैं सेल करता हूँ कोई भी प्रोडक्ट, मतलब फीस ले रहा हूँ, तो मेरे को पता है इसमें अच्छा खासा इनकम टैक्स है, तो फीस तो उसमें बढ़ाई हुई है, पर क्या वो बिल में अलग से लिखा है क्या? क्या बिल पे कभी भी आपको कोई भी बिल आपको दिया हो, चाहे मैं दिया हूं चाहे कहीं और मिला हो, क्या कभी उसमें लिखा था एड इनकम टैक्स इतना परसेंट? तो इनकम टैक्स आप बिल पे चार्ज नहीं कर सकते, यानी इनकम टैक्स सो टू स्पीक इट इज पेड आउट ऑफ योर ओन पॉकेट। माकरो इनकम टैक्स सो टू स्पीक, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। इनकम टैक्स बिल में जोड़ के आपसे मैं नहीं ले सकता, वो मेरे को अपने पॉकेट से देना है, पर जीएसटी मैं बिल में जोड़ के लेता हूँ कि नहीं? ठीक है, अभी फाइनल की जो मेरी फीस है वो 12.5 हज़ार है, 12.5 हज़ार इंक्लूड्स जीएसटी, तो इसके अंदर जीएसटी घुसा हुआ है, तो 12.5 हज़ार के ऊपर अगर तुम जीएसटी निकालो तो इट विल कम टू 12.5 हज़ार इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, 1900 रुपया इसमें लगभग जीएसटी आएगा। तो 12.5 हज़ार में से तुम 1900 लेस कर दो, 10,600, ठीक है। तो एक्चुअली मेरी फीस कितनी हुई, 10,600 प्लस 18% जीएसटी गोज टू 12.5 हज़ार,
और बिल में बकायदा जीएसटी लिखा जाता है कि नहीं, 1900 रुपया मेरा जीएसटी है तो उसमें से 950 सीजीएसटी, 950 एसजीएसटी बिल में जोड़ के लिखा जाता है कि नहीं, बिल में बकायदा जोड़ के मैं कलेक्ट करता हूं, ठीक है, पर इनकम टैक्स में बिल में जोड़ के कलेक्ट नहीं करता। तो टेक्निकली स्पीकिंग इट साउंड्स लाइक कि मैं 1900 रुपये का जीएसटी स्टूडेंट से लेके सरकार को दे रहा हूं, तो मतलब बोलने के लिए उसका बर्डन मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा, बर्डन किस पे पड़ रहा है, कस्टमर पे, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। अब ये तो सर हो गई किताबी बातें, और ये बात मेरे को, सच्ची बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये बात मेरे को आज तक रास नहीं आया, झूठ लिखा है सब। अब पढ़ना तो ही पड़ेगा क्योंकि किताब में लिखा है, एग्जाम में ही लिखेंगे, पर मैं बोल रहा हूँ झूठ लिखा है। एक्चुअली सच बोलूं जीएसटी भी मैं ही दे रहा हूं, जीएसटी भी मैं ही दे रहा हूं। कैसे, मैं तुमको समझा रहा हूं, ये किताबों में ये लिखा रहता है कि इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एंड पेड टू गवर्नमेंट, सो द इंसिडेंस इज ऑन द कस्टमर, सो द टैक्स बर्डन इज ऑन द कस्टमर नॉट ऑन द पर्सन, बट इनकम टैक्स वो अपने पॉकेट से दे रहे हैं उसके ऊपर बर्डन है। यार कहीं पे भी तुम एक बात समझो, जो फीस रखी जाती है वो मार्केट को देख के रखी जाती है ना। अगर कल से मैं ये बोलना चालू कर दूं कि मेरा फीस आज से होगा फीस प्लस जीएसटी, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज जब कस्टमर पैसा देता है तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता कि इसमें से 18% वो सरकार को दे रहा है, वो यही मानता है कि वो तुमको दे रहा है, सप्लायर को दे रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात हम सब पे लागू है। मैं कल को अगर किसी शॉप में गया, ठीक है, सपोज तुम किसी सैलून में गए, ठीक है, सैलून टिपिकली जो सैलून होते हैं उसमें हेयर कट का रेट होता है 800 रुपये के आसपास, ओके, तो तुम एक सैलून में गए बाल कटाने को 800 रुपया, वो बंदा बोला 800 प्लस जीएसटी 18%, तो तुम क्या बोलेगा पलट के उसको, भैया जीएसटी रहने तो बिल नहीं चाहिए, मेरे को तो बाल से मतलब है, मेरे को वो इनवॉइस नहीं चाहिए, वैसे भी बाल कटाने का जो इनवॉइस है उसका कहीं कोई डिडक्शन तो मिलेगा नहीं, मैं एंड कस्टमर हूं ना, उसका मैं इनपुट जीएसटी ले सकता हूं, ए सैलून में जो तुम जीएसटी दोगे क्या तुमको उसका इनपुट जीएसटी मिलेगा, ठीक है, मैं अगर सैलून में जाके हेयर कटाऊं मैं इनपुट जीएसटी दिया, मैं आके सिद्धार्थ विकाश क्लासेस में उसका इनपुट क्रेडिट ले सकता हूं क्या, एंड कस्टमर कैन नॉट टेक इनपुट क्रेडिट, यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, ओके, समझ रहे हो। इमीडिएटली हम लोग का रिएक्शन क्या होता है वहां पे, कोई भी जब अपने से जीएसटी मांगता है तो कि बिल रहने दो, जीएसटी नीचे, मेरे को इतना इतना दे दो। कितने सारे स्टूडेंट्स, मैं तो बताता हूँ, अरे क्या बोलूँ, स्टूडेंट इतना बड़ा बार्गेनर, ठीक है, इतना बड़ा बार्गेनिंग, सीधा मेरे से आके पहले ऐसे बोलेगा सर थोड़ा कंसेशन कर दो, मेरा ये समस्या है, मेरा वो समस्या है, पॉटी नहीं आ रहा, जो भी मतलब एक्सपेंसिव समस्या है, ठीक है, मेरा फीस कम कर दो, तो बोला भाई कम नहीं हो सकता ये है, ठीक है, तो एक काम करते हैं आपको कैश में देते हैं, आपका तो जीएसटी नहीं लगेगा, मुंह पे, मतलब साड़ी का दुकान में से बार्गेनिंग होता है ना, तो बिलीव नहीं करोगे ऐसा भी बार्गेनिंग हुआ हुआ है, ठीक है। तो लोगों को क्या लगता है कि जीएसटी इज एस्केपेबल, यू कैन एस्केप दैट, यू डोंट हैव टू पे दैट, ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट पेज मी फीस ही थिंक्स दैट द एंटायर मनी गोज इन माय पॉकेट व्हिच डजंट, 18% गोज टू गवर्नमेंट स्टेट अवे, अपने पास तो बचता ही नहीं है, तुम समझ रहे हो। फीस जो हम लोग रखते हैं, हम कभी भी जीएसटी सोच के फीस नहीं रखते, जीएसटी हम किसको दे, फीस या कोई भी सेलिंग प्राइस होता है वो किसको देख के रखा जाता है, अरे सेलिंग प्राइस किसको देख के रखते हैं अपने, जीएसटी देख के कि मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, अगर मार्केट में सबका फीस बढ़ा देखना अगले दिन मैं क्या करूंगा, ठीक है। मैं जस्ट बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल था ये, ठीक है भाई, एक बात सोचो, आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, कुरकुरे लेज सबने कंज्यूम किया, तुम लोग को याद होगा तुम्हारा जो अर्लीस्ट मेमोरी होगा कुरकुरे के बारे में कि वो 3 पैकेट में आता है 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, आज भी वो इन 3 डिनोमिनेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जबकि इस बात को तो 10 साल हो गए, 10 साल में तो महंगाई फाड़ के बढ़ गई है, इन्होंने प्राइस नहीं हिलाया पर क्वांटिटी कम, ये सबको पता है, ये सबको पता है, जो जितना क्वांटिटी पहले 10 में आता था उतना 20 में आता, पर इन्होंने प्राइस चेंज नहीं किया, बिकॉज दे नो कस्टमर्स मेंटालिटी, व्हेन अ कस्टमर इज आउट देयर टू पे एंड परचेज दिस लेज ऑफ कुरकुरे ही एक्सपेक्ट्स अ सर्टेन प्राइस, कि मैं 20 का पैकेट खरीदूंगा, मैं 10 का पैकेट, सो प्राइसेस कोई भी सप्लायर जीएसटी सोच के कभी नहीं रखता, वो हमेशा ये सोच के रखता है कि कस्टमर मेरे को कितना देना चाहेगा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आज अगर मैं सोच रहा हूं कि कस्टमर मेरे को अप टू अप इतना पैसा देगा, सपोज दैट्स ए 12,500, ठीक है, तो मैं उतना फीस रखा, नाउ कस्टमर भी यही सोच रहा है कि 12,500 जो इसको दिए ये अपने घर में रखता होगा, ठीक है, कस्टमर ये सोच रहा है, अब उसी में से तो लेकिन मेरे को काट के 1,900 रुपीज देना पड़ रहा है कि नहीं, तो सच सच सोचो जरा, प्रैक्टिकल बात करो, टैक्स सब्जेक्ट में बुक्स में जो होता है बहुत देखा है मैंने, ठीक है,
प्रैक्टिकल बात करो, जीएसटी का बर्डन भी अल्टीमेटली किसके सर पे फट जाता है? सप्लायर के सर पे। वो बोलने की बात है कि जीएसटी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा प्रैक्टिकल चीज है, मैं बोलता हूँ कि दोनों टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली सप्लायर पे पड़ता है। पर बुक्स में कैसे मिलेगा? डायरेक्ट टैक्स मतलब वो जो आप अपनी जेब से देते हो, बर्डन आपका। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो जो आप किसी से लेके देते हो, जिसका बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ता। दैट इज वाई वी कॉल इट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब ना बहुत बड़े मार्केटिंग का मतलब प्रोपेगेंडा है कि सरकार ने, दुनिया भर की सरकारों ने पहले से एक नाम बना दिया, ये डायरेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। तो देखो, तुम्हारे पे तो बर्डन नहीं है ना, तुमको तो कस्टमर से लेके देना है ना, और डाल दिया एक बर्डन। समझ लो, इट्स अ गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा कि गिविंग इट अ नेम इनडायरेक्ट टैक्स, ताकि देखने में लगे कि इस टैक्स का बर्डन तो मेरे ऊपर बिल्कुल है ही नहीं। इस टैक्स का बर्डन मैं किसको पास ऑन कर सकता हूँ? कस्टमर। कस्टमर लेगा क्या? कस्टमर बर्डन कभी नहीं लेगा। अभी अभी तुमको मैंने बताया गाड़ी पे कितना जीएसटी और सेस था, 48%। जब मैं पे किया, मैं जब इलांट्रा का कीमत दे के आया वहां पे, तो मेरे को कतई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने 48% सरकार को दिया है। मेरे को यही लगा मैंने ये ह्यूंडई वालों को दिया, चोर कंपनी है। मेरे को यही फीलिंग आया, ठीक है, बिकॉज कस्टमर नेवर फील्स दैट ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अच्छा, जो मैंने बताया वो तो बस समझ लो एक रियलिटी था। एग्जाम में वैसा कभी मत लिखना कि वो बोला था क्लास में, ठीक है। एग्जाम में तो वही लिखेंगे जो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, क्लियर है। अच्छा, दो और नाम चमकाए जाते हैं इसमें, एक है प्रोग्रेसिव और दूसरा है रिग्रेसिव। बोर्ड पे दिख रहा है तुम लोगों? मार्क कर लो। इनकम टैक्स को अपने क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव, बिकॉज ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा इनकम टैक्स, कम कमाओगे तो कम इनकम टैक्स। अच्छा, एक बात है, तुम लोग सब अभी कितना टैक्स दे रहे हो? जीरो, क्योंकि कमा नहीं रहे। एक दिन आएगा जब तुम कमाएगा, ठीक है। अच्छा, सपोज अगर तुम जब कमाना चालू किया, जब तुम कमाएगा, लेट्स से कल से परसों से एक बार एग्जांपल, ठीक है, और तुम्हारी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक आती है, टीआई टोटल इनकम, तो टैक्स कितना है? जीरो। 2.5 लाख तक तो नहीं ले, और 2.5 लाख एक रुपया से 5 लाख तक जो भी कमाओगे उस पर रिबेट अलग से मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा पैकेज हुआ 7-8 लाख का, तो तब 2.5 लाख तक सर एग्जाम्प्ट है, उसके बाद मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। ये सब मालूम है, ठीक है। अगर तुम और ज्यादा कमाओगे, और ज्यादा टैक्स, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे लाइफ में, और अगर तुम जॉब ही कर रहा हुआ, जब तुम्हारा पैकेज 50-60 लाख का हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा पैकेज कितना हो जाएगा? 50-60 लाख। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर बाई चांस मैं टीचर नहीं होता, और मैं ये होता, क्या नाम है, जॉब वाला मतलब एम्प्लॉई होता, ठीक है। अगर मैं एम्प्लॉई होता, मतलब किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, ठीक है, तो 33 हूं मैं, तो 33 के हिसाब से जो भी मेरा पोजीशन होता, मेरे हिसाब से मेरा पैकेज वुड हैव बीन समवेयर अराउंड 45-50। समझ में आ रहा है पैकेज? तो 45-50 कमाने वाला जो सैलरी का पैकेज है, वो तो ऊपर स्लैब में चला गया कि नहीं? कितना स्लैब रेट पड़ेगा? 30%। 10 लाख तक थोड़ा मोट है, 5-20, उसके बाद सीधा कितना? 30। ज्यादा कमाओ, ज्यादा टैक्स दो, कम कमाओ, कम दो। तो ये अच्छा सिस्टम है कि नहीं है? दिस ब्रिजेस द इनकम इनइक्वालिटी। हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटी है कि नहीं? पैसे वाले बहुत पैसे वाले, गरीब बहुत ज्यादा गरीब। तो ब्रिजिंग द गैप होना चाहिए, जो ज्यादा कमाता है ज्यादा देगा, जो कम कमाता है वो कम देगा। दैट इज वाई इनकम टैक्स इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जीएसटी गरीब हो अमीर हो सब पे लगेगा, एनी बडी, किसी के ऊपर भी, सबके ऊपर बराबर ही रेट पड़ेगा। अच्छा, मैं अगर नीचे जाके कुरकुरे खरीदा, या तुम जाके खरीदे, प्राइस सेम, उसके अंदर जीएसटी कंपोनेंट भी सेम है। दैट इज वाई जीएसटी को अपने क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव इन नेचर। तो बस ये सब कुछ वर्ड्स थे, कमिंग टू दिस वन। ओके, जीएसटी एक बहुत ही फेमस शब्द है, तुम लोगों को दिख रहा होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अभी क्या होगा कि मैं एक थोड़ा सा सम्स उठाने जा रहा हूँ, हल्का सम्स है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। एंड इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, नोट्स में ही पेज नंबर 17 पे जगह मिल जाएगी, वहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। ये बात सुनो तो सही, ठीक है। जीएसटी की जब तारीफ की जाती है ना, जीएसटी की जब तारीफ की जाती है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं,
स्टार्टिंग मेरा किससे हुआ था, आज पढ़ाते वक्त पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, फिर मैं सीधा रेट्स पे चला गया था। याद है रेट्स 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, 28%+ सेस, मैं सीधा वहां चला गया था। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा हल्के पोर्शन पे आ गया, ये रहा हल्का पोर्शन। ये हल्का जरूर है पर मैं सच बोलता हूँ मैं बहुत दुखी हूँ इससे, बाय गॉड। ठीक है, बिकॉज आई हैव नेवर बीन एबल टू एक्सेप्ट दिस की इनडायरेक्ट टैक्स इज एक्चुअली इनडायरेक्ट, इट्स नॉट इनडायरेक्ट, इट इज त्रिशूल की तरह लगता है। इनकम टैक्स से ज्यादा चुभता है जीएसटी, इनकम टैक्स से ज्यादा चुभता है भाई। इनकम टैक्स मेरे को रेवेन्यू पे देना है कि प्रॉफिट? इनकम टैक्स जो मैं देता हूँ 30%, वो मेरे को सीधा 30% ऑफ फीस पे देना पड़ता है कि 30% ऑफ मेरा टोटल इनकम आफ्टर रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस? पीजीबी भी फाइल है ना, यू नो पीजीबीपी, तो एलएलपी का जो फाइल है कौन सा फाइल है? सैलरी की पीजीबीपी। तो मैं तो एक्सपेंसेस लेस करूंगा तो मेरा तो इनकम कम आएगा, तब उस पर 30% देना है, जबकि जीएसटी सीधा किस पे पड़ता है? फीस। फीस आते ही सीधा सेल्स पे तड़ाक से जीएसटी लग जाता है, तो चुभता ज्यादा है, और ऊपर से फिर बोला जाता है ये तो इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तुम्हारे ऊपर इसका बर्डन पड़ ही नहीं रहा, मैं जानता हूं मेरे पे इसका कितना बर्डन पड़ रहा है, पे करते वक्त भी बर्डन पता चलता है, और जीएसटी के जो कंप्लायंसेस है वो तो भाई भगवान जाने। जीएसटी में इतना रिटर्न, इतना पेमेंट्स, इतना कंप्लायंसेस है कि, और ये लोग बार बार चेंज करते रहते हैं, मतलब May 20 के लिए तुम कुछ पढ़ेगा, अगले टर्म में जाते जाते कुछ बदल जाएगा, कंप्लायंसेस फॉर्म्स बदलते जा रहे हैं इनके। ठीक है, सो कमिंग टू दिस, अब फिर से एक मैं अच्छे टॉपिक पे घुस रहा हूँ जिसमें थोड़ा सम्स वम्स करेंगे। क्या लिखा है? कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का सिंपल मतलब होता है, एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट टू यू थ्रू एन एग्जाम्पल। ओके, आई विल डेमोन्स्ट्रेट टू यू थ्रू एन एग्जाम्पल। ओके, जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। पुराने वाले जो टैक्स थे उनमें कैस्केडिंग इफेक्ट था, उनमें क्या था? कैस्केडिंग इफेक्ट था। कैसे था? नहीं था, लेट्स सी। पेज 16 में देखो, ये एक सम्स है। अभी ये सम्स मैं कैस्केडिंग इफेक्ट के इलस्ट्रेशन की तरह पढ़ाऊंगा, बाद में ये सम्स में और ज्यादा सीखेंगे अपने। ठीक है, पर अभी बस एक बार जस्ट टू अंडरस्टैंड कैस्केडिंग इफेक्ट। ओके, छोटा सा सम्स है, छोटा सा सम्स है एकदम, देखो बोर्ड पे पढ़ सकते हो सब कोई, बहुत फेमस सम्स है ये, तुमको हर जगह मिलेगा, इंटरनेट पे, बुक्स में, हर जगह बहुत फेमस है ये। मिस्टर ए ऑफ मुंबई सेल्स गुड्स वर्थ ₹10,000। यहाँ पे चार लोग हैं, मैं पहले एक बार स्टोरी बता देता हूँ। अच्छा, आप थोड़ा सा ना मेहनत का काम है, तो मेहनत करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब मेरे साथ ही नोट डाउन, नहीं करना चाहते तो ऑब्जर्व जरूर कर लेना, समझ जाना कास्टिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल तो ऐसा है कि तुमको रट्टा रहना चाहिए, मतलब कोई भी कभी भी तुमसे पूछे कि कैस्केडिंग समझ में नहीं आ रहा समझाओ, तो तुम तुरंत उठा के सम्स दिखा देना कि देख ये होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। करेक्ट है, इधर देखो जरा, यहाँ पे टोटल चार लोग इन्वॉल्व हैं पिक्चर में, चार, मिस्टर ए, बी, सी, डी, चारों व्यापारी है, चारों क्या है? बिजनेसमैन है, व्यापारी है, ए, बी, सी, डी। ए ने गुड्स बी को बेचा, बी ने गुड्स सी को बेचा, और सी ने गुड्स डी को बेचा। ठीक है, चार मतलब चार लोग हैं तो ट्रांजेक्शन कितनी बार होगा? चार बार की तीन बार, चार लोग हैं तो आपस में लेवा बेची कितनी बार होगा? तीन बार होगा। अच्छा, मान लो कि एकदम स्टार्टिंग का बेस प्राइस है, मेरी बात समझ में आ रही है ना एकदम? ठीक है, मेरी मतलब मान चलो कि स्टार्टिंग का बेस प्राइस कितना है? ₹10,000। कितना है? 10,000। और हर एक बार जब उसको बेचा जा रहा है तो उस पर 20% का वैल्यू एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है उस पर? 20% का वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से सीन मूव कर रहा है। ए ने बी को बेचा 10,000 पे, बी ने सी को बेचा 10,000 पे, 20% जोड़ो कितना आएगा? 12,000। तो बी ने सी को बेचा कितना पे? 12,000। अच्छा, सी ने डी को बेचा तो वो 12,000 पे और 20% जोड़ेगा, 12,000 पे 20% 2,400। 20% कितना का? 2,400। तो 12,000 प्लस 2,400 14,400। इस तरह से मूव कर रहा है, दैट इज द वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब जीएसटी कैसे लगेगा मैं बता देता हूं। जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट कितना है? 18%, वही लेके अपने बात करेंगे। ओके, यहां पे बना दे, यहीं पे
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विदाउट, कैस्केडिंग इफेक्ट. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विदाउट कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केड, पहली बात, कैस्केडिंग इफेक्ट अच्छी चीज होती है कि बुरी चीज होती है? बुरी चीज होती है. पहले तो ये समझो, कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है, इज इट गुड और इज इट बैड? बैड. कैस्केडिंग इफेक्ट इज बैड. कैस्केडिंग इफेक्ट इज बैड. यहां पे क्या लिखा है? विदाउट कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब गुड की बैड? गुड. ये जो अभी हो रहा है अंडर द जीएसटी रेजीम, अंडर द जीएसटी रेजीम मतलब अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा, अभी जीएसटी युग चल रहा है. इसको बोलते हैं जीएसटी रेजीम. तो अंडर द जीएसटी रेजीम कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, जो कि अच्छी बात है. दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी. तो मैं वही एग्जांपल के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, इसी को फिर बुरा करके दिखाएंगे. ठीक है, तो ए ने बी को गुड्स बेचा, प्राइस दस हजार प्लस 18% जीएसटी, कितना आएगा? ठीक है, कुछ जन होंगे तुम लोग में से जो शायद ये ऑलरेडी जानते होंगे, पर तुम देखो ये न्यूमेरिकल बहुत मैं सजा के तरीके से बता रहा हूं. इसमें तुम सॉल्व करोगे ना, पूरा क्लैरिटी आ जाएगा. एनीबॉडी, अगर एग्जाम में भी तुमको कैस्केडिंग इफेक्ट समझाना है, तुम ये डेटा एकदम याद करके पूरा बना के आ सकते हो कि देखो इसमें कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है. ए ने बी को गुड्स बेचा, कितने पे बेचा? प्राइस 10,000, जीएसटी अलग लिखो, 18% ऑफ 10,000 वही दिख रहा है, 1800 आएगा. अच्छा, बी ने जब सी को बेचा तो उसमें वो 20% का वैल्यू एडिशन कर रहा है. क्या कर रहा है वो? 20% का क्या कर रहा है बोलो मेरे को? वैल्यू एडिशन कर रहा है. क्या कर रहा है? वैल्यू एडिशन. मतलब ऑब्वियसली एक बंदा जब दूसरे को बेचेगा तो दे कॉल इट. अच्छा, एक चीज तुम लोगों को सबको क्लियर बता दूं, हर बार वैल्यू एडिशन का मतलब ये नहीं होता कि वैल्यू एड हो रहा है. स्टूडेंट क्या सोचता है कि वैल्यू एडिशन का मतलब ये होगा कि बी ने उस गुड्स के ऊपर कुछ काम किया होगा तो अब गुड्स की कीमत बढ़ गई होगी तो वो सी को जाएगा. हर बार वैल्यू एडिशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने गुड्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा किया है. ओके, एक होलसेलर क्या करता है? होलसेलर मैन्युफैक्चरर से माल खरीद के रिटेलर को बेचता है. क्या वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा घुसा देता है क्या? नहीं. बट द सर्विस दैट ही इज रेंडरिंग, की परचेजिंग इन बल्क, सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, दैट इटसेल्फ इज रिगार्डेड एज वैल्यू एडिशन. दैट इटसेल्फ इज रिगार्डेड एज. तो क्या होलसेलर भी वैल्यू एडिशन करता है? हाँ, नहीं तो हम तक गुड्स पहुंचेगा क्या? एक बात बताओ, क्वालिटी वॉस का कॉर्नेटो आइसक्रीम जो तुम खा रहे हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लाके तुमको पकड़ाया हाथ में, हिंदुस्तान यूनिलीवर से न जाने कितने हैंड्स एक्सचेंज होने के बाद तुम्हारे तक पहुंचा है. इनको हम कहते हैं सप्लाई चेन पार्टनर. क्या बोलते हैं बोलो? सप्लाई चेन पार्टनर. सप्लाई चेन पार्टनर. तो सप्लाई चेन पार्टनर भी तो वैल्यू एडिशन करता है यार, नहीं तो उसके बिना माल पहुंचता कैसे? उसके बिना गुड्स पहुंच पाएगा तुम्हारे तक? कभी भी, कभी नहीं पहुंच पाएगा. अच्छा, मैंने जो गाड़ी खरीदी, क्या मैं चेन्नई गया था ह्यूंडई की फैक्ट्री में खरीदने, कि यहां पे मैं सीधा खरीदा हूं डिस्ट्रीब्यूटर से? तो ऑथराइज कार डीलर था, उसी से तो मैं लिया हूं ना. तो दीज पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन, हु मूव द गुड्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन, दे ऑल्सो एड वैल्यू. ठीक है, तो दिस सर्विस इटसेल्फ इज वैल्यू एडिशन. ये मत सोचो कि इसमें पक्का कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा ही होगा. ओके, तो इसने 20% वैल्यू एडिशन किया. अब देखो, ये 20% जो ये जोड़ेगा ना, प्राइस में जोड़ेगा, टोटल में नहीं जोड़ेगा. टोटल कीमत कितना हो रहा है ऊपर? 11,800 पे नहीं जोड़ेगा. 20% किस पे जोड़ेगा? सिर्फ तो यहां पे 2,000 रुपया जुड़ेगा. ठीक है, यहां पे हो गया प्लस 2,000. तो यानी बी ने सी को कितने पे बेचा? 12,000.
अच्छा अब आप एक काम करो, 12,000 के ऊपर 18% जीएसटी निकालो, मेरे पास आ रहा है 2160, ठीक है, 12,000 रुपए के ऊपर तुम 18% जीएसटी निकालो, कितना आ रहा है 2160, सबने निकाला क्या 2160, पर आपने 1800 का जीएसटी पहले दिया है कि नहीं दिया है? मैं हिंदी में फिगर्स बोल रहा हूँ, कंफर्टेबल है तो बोलोगे तो इंग्लिश में बोलूंगा। यू हैव अर्लियर पेड हाउ मच ऑफ जीएसटी 1000, जीएसटी को मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ, रेड कलर में हाईलाइटर, हाउ मच जीएसटी हैव यू पेड 1800, नाउ ऑन द न्यू फिगर 12,000, हाउ मच जीएसटी इज कमिंग 2160, तो आपको क्या 2160 देना है कि 1800 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा? सर हमें 1800 का क्रेडिट मिल जाएगा, हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सिर्फ 360, हमें एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा सिर्फ 360, ठीक है, तो आपको अभी एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा सिर्फ 360, आपको भी 2160 देने का जरूरत नहीं है। ओके देखो जीएसटी को हर जगह अलग लिख रहे हैं, साथ में नहीं लिख रहे हैं। ए ने बी को जब माल बेचा था तो मेरे को ये बताओ बिल कितने का बना था, है कि नहीं? ए ने जब बी को माल बेचा था तो बिल इनवॉइस 10,000 का बना था कि 11,800 का बना था, वो जोड़ के बना था, ठीक है। लेकिन जब सेकंड ट्रांजैक्शन में आप जब जीएसटी निकाल रहे हो तो आप पूरे इनवॉइस वैल्यू पे निकाल रहे हो कि सिर्फ गुड्स के प्राइस पे, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन टैक्स, ये माय पॉइंट, वो अलग है और गुड्स का प्राइस अलग चल रहा है, जीएसटी लाल रंग में अलग से चल रहा है। अच्छा अब टोटल बिल कितने का बनेगा आपकी बार, 12,000 प्लस 1800 प्लस 360, इट विल कम टू, बोलो तो कितना, 1460, सी ने बेचा डी को, सी ने बेचा डी को, ठीक है। अच्छा वापस से सी भी बोला हम 20% वैल्यू एडिशन करेगा, कितना करेगा 20% वैल्यू एडिशन, तुम देखो फिर से जब 20% वैल्यू एडिशन होगा तो वो 12,000 पे ही होगा, 14,160 पे नहीं होगा। टैक्स पोर्शन को आप अलग रखो, आप सिर्फ बेस प्राइस को पकड़ते चलो, पहले 10 था, 10 में 20% जोड़े कितना आया 12, अब 12 में ही 20% जोड़ो, 12,000 का 20% होता है 2400, वेलकम टू 14,400, अच्छा 14,400 पे जीएसटी निकालो 18%, आई एम टेलिंग यू द फिगर विल बी वेरी डर्टी, 14,400 पे 18% सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर में, इट विल कम टू 2,592। अच्छा आप ऊपर ऑलरेडी कितना दे चुके हैं, हम 1800 सर दे चुका, हम 360 भी दे चुका, तो इसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब आपको 2,592 देना है कि ये माइनस करूं, ये माइनस करूं, जो 1800 और 360 पहले दे चुके हो वो माइनस होगा, माइनस करो कितना आएगा 432, ये टोटल मिला के कितना आ रहा है 2592, 1800 प्लस 360 प्लस 432 कम्स टू 2592, टोटल कितना 14,400, ठीक है। अब बस यहां पे स्टॉप होता है, अब थोड़ा इसको देखते हैं जरा। अब एक चीज आप नोटिस करो, देर आर टू वैल्यूज विच आर मूविंग पैरेलली, देर आर टू वैल्यूज विच आर मूविंग पैरेलली, दे आर
only look at the green color and the blue color on the board. Only the green color and the blue color. There are two values which are moving parallelly. The green color indicates the price of the goods without GST component. And the blue color indicates the invoice value including GST component. आप सोचो अगर हर एक सप्लाई चेन वाला 20-20% ब्लू कलर पे छोड़ता, 20-20% ग्रीन कलर के बदले ब्लू कलर पे छोड़ता, तो गुड्स की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती कि नहीं? तो ये नुकसान होता, ये नुकसान होता, जबकि नहीं है ऐसा। यहां वो 20-20% किस पे छोड़ रहा है? बेस प्राइस पे छोड़ रहा है, वो जीएसटी वो इनवॉइस वैल्यू पे 20% छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे टैक्स ऑन टैक्स अवॉइड हो गया, इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। जैसे अगर ये मिस्टर बी ने 20% 11,800 पे निकाला होता, अब तुम लोग मत ही करना, इधर देखो, अगर सपोज से 20% 11,800 पे निकालता तो ये 10,000 पे भी 20% ले लेता, और जो 1,800 का टैक्स है उस पर भी 20% भर जाता, तो वैल्यू मतलब गुड्स का जो प्राइस है और ऊपर भागता कि नहीं भागता? अच्छा, नेक्स्ट चीज, उससे क्या होता, जब सेकेंड टाइम जीएसटी निकालते ना, ये वाला सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम जो जीएसटी निकलता वो भी 10,000-12,000 के बदले किस्ते पे निकल जाता, वो जीएसटी कॉम्पोनेंट जोड़ के उस पर भी निकल जाता, मतलब इसको बोलते टैक्स ऑन टैक्स, और बढ़ जाता वैल्यू उसका, उसका वैल्यू क्या होता, और ऊपर की तरफ बढ़ता, तो दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। मैं इसको एक विद कैस्केडिंग इफेक्ट लेके भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले एक बार इतना तक क्लियर है क्या, ये समझ में आ रहा है? मतलब एक चीज याद रखो, वैल्यू एडिशन इज डन ऑन द बेस प्राइस, इट इज नेवर डन ऑन द इनवॉइस वैल्यू, वरना कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सेकेंड और थर्ड लेग में जब आप बार बार 18% जीएसटी निकाल रहे हो, तो क्या आप 18% इनवॉइस वैल्यू पे निकाल रहे हो कि बेस प्राइस पे निकाल रहे हो? बेस प्राइस, तो इससे वो वैल्यू और कम होते जा रहा है, मतलब ठीक आ रहा है। टोटल आपने सरकार को कितनी बार टैक्स पे किया है? 1800 यहां पे किए थे, यहां पे 360 पे किए, और यहां पे सरकार को आपने टैक्स कब कब दिया? तीन बार अलग अलग, 1800, फिर 360, फिर 432, अलग अलग दिया ना आपने टैक्स। ठीक है, आपको बार बार उन सबका क्या मिलते गया? इनपुट क्रेडिट। अच्छा, यही चीज अगर हमें विद कैस्केडिंग इफेक्ट करनी होती तो इट वुड हैव बीन वेरी हाई वैल्यू। अब दिखा रहा हूं विद कैस्केडिंग इफेक्ट, वो तुम कॉपी कर भी सकते हो, नहीं भी, नेक्स्ट पेज। ठीक है, ऊपर करें सेम एग्जांपल सब कुछ। ए ने बी को बेचा, बेस प्राइस जीएसटी 10,000 पे बेचा सपोज, जीएसटी कितना लगेगा? 18% कितना आएगा? 1800 जोड़ के 11,800, तो इनवॉइस वैल्यू कितना आएगा? 11,800। अब सपोज अगर बी सी को बेच रहा है और बोल रहा है कि मैं 20% वैल्यू ऐड करूंगा ऑन इनवॉइस वैल्यू, ऑन किस पे? इनवॉइस वैल्यू पे ऐड करेंगे, तो अब 20% कहां जाके ऐड होगा? यहां 11,800 के नीचे। 11,800 का 20% कितना आएगा? ज्यादा आएगा कि नहीं? कुछ ज्यादा आएगा, निकाला जाए। 11,800 × 20% 2,360, 14,160, जो वहां पर कम था यहां बढ़ गया, क्योंकि आपने 20% 10,000 के बदले किस पे निकाल दिया? इनवॉइस पे। अब जीएसटी जो अब निकलेगा, अब सोचो, अब इस पे जीएसटी तो देना ना 18%, तो इस पे अब जीएसटी कितना आएगा? 18%, 14,160 का 18%, इस 14,160 के अंदर ये 1800 इंक्लूडेड है, तो इस 1800 में भी तो दोबारा बैठ के टैक्स निकल गया ना, दैट इज कैस्केडिंग इफेक्ट। 14,160 जो तुमको दिख रहा है, इसमें दो दो कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा। एक तो आपने जीएसटी के ऊपर भी 20% वैल्यू ऐड कर दिया, जो कि 2,360 के अंदर इंक्लूडेड है, और दूसरा अब आप जो जीएसटी निकालोगे 18%, वो 14,160 पे होगा, तो उसमें पहले वाला जो 1800 था उस पे भी, वो भी तो इंक्लूडेड है, उस पे भी फिर टैक्स निकलेगा, जो कि और एक बड़ा फिगर आएगा,
549। अल्टीमेटली इनवॉइस वैल्यू कितनी बन जाएगी, 16709। अच्छा यहां पे देखो इनवॉइस कितने का आ रहा था सेकंड टाइम पे, सेकंड टाइम पे इनवॉइस वैल्यू कितना आ रहा था ब्लू कलर 14000, और इधर कितना आ गया। सेकंड लेवल पे इतना कुछ हो गया, थर्ड लेवल पे जाऊंगा और बढ़ेगा। एक तो 20% वैल्यू एडिशन इस पे बढ़ेगा, वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट, फिर उस पे 18% अगर जीएसटी निकालूंगा तो फिर और बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, दाम एकदम जोर जोर से ऊपर की तरफ एस्केलेट करना चालू करेगा, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो कैस्केडिंग इफेक्ट को अगर बस इतना पे रोक रहे हैं, इसके आगे और कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ठीक है यहाँ पहले ठीक है क्या। अच्छा इसमें ऑब्वियसली इनपुट क्रेडिट तो मेरे को मिलेगा ही, थोड़ा इनपुट क्रेडिट रहेगा, ठीक है। ये 14160 प्लस 2549 हुआ ना, माइनस पुराना वाला 1800 भी होगा इनपुट जीएसटी, सो इट विल कम डाउन टू 14909। स्टिल तुम देखो इसको, 14 मेरे को 1800 का जीएसटी भी तो मिलेगा इनपुट क्रेडिट, स्टिल तुम देखो ये 14909 14160 से तो ज्यादा है कि नहीं है। वहां आ रहा है 14900 रुपया, यहां आ रहा है 14160, तो तकरीबन 750 रुपये का फर्क पड़ रहा है कि नहीं। दैट 750 रुपया इज कैस्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी रेजिम में क्या हुआ कि प्राइस अलग कर दिया, जीएसटी अलग कर दिया, तो इससे एक ही चीज पे बार बार फिगर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, तो इससे प्राइसेस एकदम स्टेबलाइज कर दिए। अच्छा कैस्केडिंग इफेक्ट का और एक कारण क्या होता था, ये जो अलग अलग लेवल पे टैक्स लगते थे ना, ये अलग अलग टाइप के टैक्स होते थे। कभी लगता था एक्साइज ड्यूटी, कभी लगता था सीएसटी, कभी लगता था वैट, अलग अलग टैक्सेस। अब सारा हटके एक ही टैक्स आ चुका है जीएसटी, जो आपस में सेट ऑफ हो सकता है अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन, दैट इज व्हाई कैस्केडिंग इज एलिमिनेटेड। ठीक है यहां तक ठीक है, भी ऊपर मूव करेंगे। बेसिक डिफरेंस इधर, Since there is one unified tax across the entire supply chain from the manufacturer to the end customer, and input credit is available at each stage, hence the cascading effect is eliminated. तो cascading effect eliminate इसलिए हो रहा है because पूरा supply chain में एक ही tax चल रहा है GST। अब जैसे मेरे supply chain में मैंने तुमको example दिया, मैं books खरीदता हूँ तो उस पर जो tax देता हूँ उसका नाम भी GST है। तुमको पढ़ाते हो जो सर्विसेज पर टैक्स दे रहा हूं उसका नाम भी क्या है, जीएसटी है। तो मेरे सप्लाई चेन में एक ही तो टैक्स है जीएसटी, तो सबका सबसे सेट ऑफ हो रहा है। इवन इफ आई बाय अ मशीनरी आई हैव टू पे व्हाट जीएसटी, द रेट में भी डिफरेंट 28% बट इट इज कॉल्ड जीएसटी। मैं बुक्स छपाऊं जीएसटी, प्रोजेक्टर वगैरह खरीदूं जीएसटी, तुम्हारे फीस पे जो पैसा दूं जीएसटी, एक सिंगल टैक्स है जिसका हर स्टेज पे इनपुट है, तो रिपीटेटिव जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो उड़ जाएगा। अब ये कुछ जीएसटी का बेसिक एक डिस्कशन है, हल्का फुल्का डिस्कशन है, ध्यान से देख लेते हैं बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी में क्या फर्क आता है एक एक करके, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या लिखा, पहले मल्टीपल एक्ट्स थे जीएसटी के, पहले बहुत सारे स्टैट्यूट्स हुआ करते थे, सबको समेट के एक एक्ट में डाल दिया गया है। इसका डिटेल्स मैं तुमको शो कर रहा हूं, कम टू पेज नंबर 5। ठीक है एक बार ध्यान दोगे, इधर ध्यान दो इधर। एक बार क्या हुआ था, एक फिल्म आ रही थी सलमान खान की, कोई फिल्म थी, ठीक है नाम याद नहीं है मेरे को। नरेंद्र मोदी वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, नरेंद्र मोदी बिकेम आवर प्राइम मिनिस्टर इन 2014 ना, अच्छा वापस 19 पर पहले तो 14, तो उसके पहले क्या थे वो ऑफ गुजरात। ओके एक टैक्स हुआ करता था, एक टैक्स हुआ करता था जिसका नाम है
नाम दिख रहा है बोर्ड पे, मूवी टिकट होती है ना मूवी टिकट, उस पर जोड़ा जाता था एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स का जो रेट था वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग था, ठीक है। ऑन एन एवरेज 30% चलता था, कितना चलता था 30%। ओके, एंटरटेनमेंट टैक्स कौन कलेक्ट करता था? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक छोटा सा तुमको इसका उदाहरण देता हूं, ये तुम भी अगली बार जब जाओ ना फिल्म तो चेक कर लेना, ठीक है। मूवी टिकट्स पे एक टैक्स लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स, रफली कितना परसेंट होता है? 30%, ठीक है। मतलब अगर तुमने सपोज 500 रुपया का कोई टिकट खरीदा होता तो उस 500 के टिकट में 150 रुपया क्या होता था? एंटरटेनमेंट टैक्स। तुमको तो पता है कि मूवीज महंगी हो गई हैं, मूवी टिकट्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एंड ये डिपेंड करता है मूवी कैसा है, कब जा रहे हो देखने पर। जनरली स्पीकिंग मूवीज आर नाउ वेरी कॉस्टली, करेक्ट। तो उसमें 30% का एंटरटेनमेंट टैक्स था, जो किसके, जो कौन कलेक्ट करता था? सी जी के एस जी, एस जी, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था। चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर था, चीफ मिनिस्टर, कि वो किसी पर्टिकुलर फिल्म पे अगर उसको लगता है कि ये फिल्म सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज पहुंचाएगी या कुछ यूजफुल रहेगी तो उस पे से वो चाहे तो एंटरटेनमेंट टैक्स हटा सकता है। समझ में आ रहा है? ये पावर किसके हाथ में था? चीफ मिनिस्टर। सारी फिल्मों पे से नहीं, कोई एक पर्टिकुलर फिल्म आई, ठीक है, तो उस पे मतलब मान लो उस फिल्म में कुछ अच्छा सोशल मैसेज टाइप का वगैरह कुछ है तो उस पे चीफ मिनिस्टर को अगर मन करे तो वो उसमें से एंटरटेनमेंट टैक्स हटा सकता था। जैसे ही एंटरटेनमेंट टैक्स हटेगा प्राइसेस ऑफ द मूवी टिकट्स विल गो डाउन, इफ प्राइसेस गो डाउन पीपल विल ऑब्वियसली व्यू मोर। ये समझ में आ रहा है बात? तो हुआ ये था कि सलमान खान वॉज टूरिंग अराउंड फॉर प्रमोटिंग हिज फिल्म एंड ही वेंट टू गुजरात एंड ही मेट द चीफ मिनिस्टर। दैट टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर वॉज वो मनमोहन सिंह, आवर प्राइम मिनिस्टर वॉज श्री मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी वॉज जस्ट दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ ये गुजरात। तो जाके उससे मिले और एक्चुअली क्या हुआ, उसका बहुत हाइप हो गया न्यूज में। हाइप किससे हो गया न्यूज में? उस वक्त तो कांग्रेस का सरकार था ना, 2014 के पहले का बोल रहा हूं। तो सलमान खान गया, नरेंद्र मोदी से हैंडशेक हुआ, पब्लिक हो, ठीक है, एंड फिर सारे तो पॉलिटिकल वो पत्रकार जो होते हैं ना इंटरव्यूअर, सब तो पॉलिटिकल टाइप के मतलब वो मिले हुए रहते हैं। तो उन्होंने सलमान खान से क्वेश्चन पूछ लिया, सब सामने, नरेंद्र मोदी सामने, ये भी सलमान खान से क्वेश्चन पूछा, आपको क्या लगता है अगले देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए? अब तुम बात को समझो, सलमान खान क्यों गया था मिलने? प्रमोशन तो सेकंड है, प्रमोशन के लिए चीफ मिनिस्टर से क्या मिलना है? एंटरटेनमेंट टैक्स हटवाने के लिए, कि गुजरात में जो सिनेमा हॉल्स है उसमें से आप ये वाली मेरी फिल्म पे एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दो, इसलिए। तो ही हैज टू प्लीज द चीफ मिनिस्टर, ही कैन नॉट से नो 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 नो, समझ रहे हो, ही कैन नॉट से दैट। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि हाँ अगला यही होना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, गुड, ये वो, ऐसा कुछ कर दिया। तो अगले दिन में मीडिया में हाइप में आ गया कि सलमान खान इज सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर फॉर द पोजीशन ऑफ ये प्राइम मिनिस्टर फलाने का। और तुमको मालूम है 50,000 गाली पड़ेगी, बिकॉज उस समय ही वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, दैट टाइम की बात है, ठीक है। अब सोचो क्या होता है, ये एंटरटेनमेंट टैक्स हट गया और इसके बदले क्या आ गया? क्या आ गया अब इसके बदले? अब क्या आ चुका है? मतलब मैं कैलकटा का अगर तुमको एग्जांपल दूं, कैलकटा में एंटरटेनमेंट टैक्स 30% था। तो पहले जो मूवी टिकट तुमको मिलती थी ना, जैसे अपने गए तो वहां टिकट एक छोटा सा पर्चा मिलता है अपने को, तो 30% था। अभी एंटरटेनमेंट टैक्स हट के क्या आ गया बोलो? 28% जीएसटी। इसमें ऑब्वियसली तुम जानते हो 14 14, वो तुम समझ रहे हो, 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी। और तुम प्लीज गवर्नमेंट का टेंशन मत लो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोली अलग से वो तुमको पैसा दे देंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ से अगर कोई आधा टैक्स गया तो मैं बाद में दे दूंगा। 30% एंटरटेनमेंट टैक्स हट के अगर 28% जीएसटी आया है तो अच्छी बात है कि नहीं है? 2% कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में एंटरटेनमेंट टैक्स 60% था, अखिलेश यादव की सरकार थी। अरे योगी तो अभी बने ना, योगी के पहले कौन था? अखिलेश यादव। यूपी में भी तुमको मालूम है सलमान खान का भयंकर कांड हुआ, वो सैफई वाला, ठीक है, 60% एंटरटेनमेंट टैक्स था। तो अकॉर्डिंगली सलमान खान वहां भी पहुंच गया, सेम स्टोरी। तो उत्तर प्रदेश में भी क्या हुआ कि उसकी कोई फिल्म पे से वो 60% एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया।
अब एक बात बताओ, अब तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स रहा ही नहीं, क्या आ गया इसके बदले? क्या चीफ मिनिस्टर के पास अब जीएसटी हटाने का पावर है क्या? तो अकॉर्डिंगली अब सलमान खान चीफ मिनिस्टर लोग से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि अब आप जीएसटी नहीं हटवा सकते। समझ में आ रहा है? तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स भी बड़ा फेमस था, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तुम अभी कभी भी मूवी टिकट पे मूवी पे जाओ तो देखना एंटरटेनमेंट टैक्स के बदले उसमें ये जोड़ा हुआ रहेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो देखो क्या क्या टैक्सेस हटे, जो प्रोमिनेंट वाले मैंने उनको बोल्ड कलर बोल्ड में डाल दिया है। टैक्सेस सब्ज्यूम्ड, सब्ज्यूम्ड का मतलब लिखो, ओके कौन कौन सा? सबसे पहला एक्साइज, एक्साइज किसके ऊपर होता था? मैं भी बोर्ड पे कुछ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है इधर देखना जरा। आई एम राइटिंग अ न्यू थिंग, टैक्सेबल इवेंट। क्या लिख रहा हूँ मैं बोलो? हाँ अभी मेरा एक बार प्लीज सबको बात सुनेंगे, व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट? ये टैक्स में ये होता है, एक ऐसी घटना जिसके हो जाने पर यू बिकम लायबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड अ टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, एन इवेंट विच क्रिएट्स अ टैक्स ऑब्लिगेशन, एन इवेंट विच क्रिएट्स अ टैक्स ऑब्लिगेशन। स्टूडेंट आया रिसेप्शन पे, गया एनरोलमेंट कराया, ठीक है सप्लाई हो गया, इवेंट हो गया, आई एम बिकम लायबल टू पे जीएसटी, दैट्स एन इवेंट। ठीक है, अच्छा तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली मेरी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी अच्छी खासी आती है, तो आई फॉल अंडर एडवांस टैक्स। ठीक है, तो मेरे को हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? हर क्वार्टर, क्वार्टर एंडिंग के 15 दिन पहले ही। तुम लोगों को पता है एडवांस टैक्स का रेट? क्वार्टर एंडिंग के 15 दिन पहले की बात, 15 जून, अप्रैल से जून क्वार्टर का क्या होता है? 15 दिन पहले 15 जून, फिर जुलाई से सितंबर में 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। तो आई एम लायबल टू पे एडवांस टैक्स। वाई डू आई पे एडवांस टैक्स? बिकॉज आई अर्न इनकम। सो इनकम अर्न करना एक टैक्सेबल इवेंट है, तो मेरे को देना पड़ता है। तो हर टैक्स के अंदर एक टैक्सेबल इवेंट होता है। एन इवेंट मीन्स एक ऐसा इवेंट हुआ, एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा प्रोसेस हुआ है जिसकी वजह से यू बिकम लायबल टू पे टैक्स। तुम लोगों के लाइफ में अभी कोई भी टैक्सेबल इवेंट नहीं आ रहा है, इसीलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यू आर नॉट पेइंग एनी टैक्स। तुमको रिटर्न जमा करते हो, कोई चालान भरते हो, कहीं पे भी जाके कुछ नहीं। जिसको भी टैक्स देना है वो तुमसे लेके देता है। अच्छा तुम मान लो शॉपिंग पे गए, तुमने जीन्स परचेस किया, तो जीन्स में भी तो जीएसटी जुड़ा हुआ होगा, तो वो जमा करने का लायबिलिटी तुम्हारा है कि वो लेवाइस वाले का है? लेवाइस वाले का ना, तुमको थोड़ा देना है जीएसटी, वो देगा। तो तुम्हारे लाइफ में तो अभी कोई टैक्सेबल इवेंट हो नहीं रहा। टैक्सेबल इवेंट इज एन इवेंट जिसके होने पे यू बिकम लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, तुम बायर हो, तुम सेलर नहीं हो। तुम लेवाइस में जाके बाय करते हो कि बेच के आते हो अपना पुराना जीन्स? बाय करते हो, तो तुम्हारे लाइफ में टैक्सेबल इवेंट नहीं है। अच्छा एक्साइज ड्यूटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता था? मैन्युफैक्चर, मतलब तुम अगर केवल गुड्स मैन्युफैक्चर भी कर लोगे, बेचोगे भी नहीं, तो भी ड्यूटी लग जाएगा, दैट्स कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। तुम लोग को एक्साइज ड्यूटी का हिंदी बोलूंगा ना तो बवाल हो जाएगा एकदम। इसका हिंदी था उत्पादन शुल्क, ठीक है ड्यूटी का हिंदी होता है शुल्क, और एक्साइज का था, हाँ वही, ठीक है ना। तो एक्साइज ड्यूटी वॉज अ ड्यूटी ऑन मैनुफैक्चर, माल बना लिए बेचे नहीं है तो भी टैक्स देना पड़ेगा। सेकेंड वैट एंड सेल्स टैक्स, वैट एंड सेल्स टैक्स का टैक्सेबल इवेंट होता है सेल। सेल ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है?
खाली फिल्मों पे नहीं होता था, जो फेयर वगैरह होते हैं ना नीला टाइप, उन पे भी होता है। निको पार्क जानते हो, अम्यूजमेंट पार्क, उस पे भी। ये बोला क्रिकेट मैच का टिकट, उसमें भी ऑब्वियसली क्रिकेट मैच। एक बार क्लास खत्म हो जाए फिर मैं अलग से तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? ये ना अभी मैं कुछ नहीं बोला, ये एक ना एक लोकल एग्जांपल दिया है, ठीक है? हम बताएंगे तुमको, रुको, ठीक है? ये सुधरेगा है नहीं, छोड़ इधर ध्यान दो। ठीक, अरे हाँ रे, नेक्स्ट क्या देखो, तो इधर टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग अगेन सेल पे था। ठीक है, जीएसटी आया, इन सबको हटा दिया। अच्छा, जीएसटी में ना इन्होंने एक बहुत अच्छी काम किया कि जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है वो सेल नहीं है, वो है सप्लाई। क्या है? सप्लाई। वी से सप्लाई, वी डोंट से सेल, बिकॉज देखो सेल वर्ड का मतलब होता है रुपया लेके बेचना, सप्लाई वर्ड का मतलब होता है रुपया है या नहीं, हमने गुड सप्लाई किया या सर्विस सप्लाई किया तो आई बिकम लायबल। तो ये सप्लाई पे होता है जीएसटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सो मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स थे, अब सिंगल टैक्स है जीएसटी और सिंगल टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। इन सब में पता है अलग अलग पेमेंट होता था, इन सब का वेबसाइट अलग होता था। जैसे तुमको सेंट्रल एक्साइज या सर्विस टैक्स पे करना है तो उसका वेबसाइट था एसएस, वैट पेमेंट करना है डब्ल्यू बी वैट तो डब्ल्यू बी कॉम टैक्स। अलग अलग वेबसाइट थी, अलग अलग रिटर्न चलान थे, सब हट गए, अब सिंगल एक प्रोसीजर। अच्छा, एसजीएसटी मेरे को अलग किसी दूसरे वेबसाइट में पे करना पड़ता है कि जीएसटी के वेबसाइट से पे होता है? ऐसा कुछ है क्या कि बंगाल गवर्नमेंट ने अपना जीएसटी का अलग एक वेबसाइट खोल रखा है और बोला कि देखो सीजीएसटी का 9% उनके साइट पे दिया करो, एसजीएसटी का 9% हमारे साइट पे दिया करो? नहीं, देयर इज अ सिंगल वेबसाइट आपको जो भी जीएसटी देने का है, ठीक है? इट हैज अ सिंगल वेबसाइट। अच्छा, कुछ कुछ चीजें जो अभी भी हटी नहीं है, अभी भी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टम ड्यूटी ना इंपोर्ट पे होता है, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी एकदम ना के बराबर है। भारत सरकार एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देती है, जिनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं मालूम मैं बता देता हूं। इंपोर्ट मतलब बाहर से सामान इंडिया में मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब यहां से बाहर बेचना। गवर्नमेंट चाहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा यहां से क्या करो, बाहर एक्सपोर्ट करो ताकि डॉलर आएगा। एक्सपोर्ट मीन्स सेल आउटसाइड द कंट्री, एक्सपोर्ट मीन्स सेल आउटसाइड द कंट्री। तो एक्सपोर्ट पे सरकार ड्यूटी नहीं डालती ताकि बाहर आपके प्राइसेस कम रहे तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा गुड्स ज्यादा बिके। इंपोर्ट को गवर्नमेंट लाइक नहीं करती, बिकॉज इंपोर्ट से दो तीन बात है। एक तो इंपोर्ट करने से हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, दूसरे की कर रही है। दूसरा, अगर आप बाहर से सामान इंपोर्ट करोगे तो आप उनको पेमेंट रुपया में करोगे कि डॉलर में करोगे? डॉलर में, तो इससे हमारे पास जितना डॉलर है वो जाएगा बाहर, ठीक है? तो इंपोर्ट्स को गवर्नमेंट लाइक नहीं करता, इसलिए इंपोर्ट पे भयंकर ड्यूटी है, इंपोर्ट पे भयंकर कस्टम ड्यूटी है, ठीक है? कस्टम ड्यूटी जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है। कस्टम ड्यूटी सीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल में जाएंगे तब पढ़ेंगे, और जो सीएस और सीएमए के होते हैं उनके कस्टम ड्यूटी इंटर में भी होता है थोड़ा सा, ठीक है? तो कस्टम ड्यूटी नहीं हुआ है, और कुछ छोटा छोटा टैक्सेस है जो मेंशन किया हुआ है जो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, जो जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं किया है, ठीक है? बिगिनिंग में आते हैं अभी। इधर पहला पॉइंट क्या था? मल्टीपल एक्ट्स। जीएसटी के पहले बहुत सारे स्टैट्यूट थे, अब सिर्फ एक सिंगल जीएसटी लॉ है। एक्चुअली जीएसटी में एक स्टैट्यूट नहीं, बहुत सारा है। सीजीएसटी का अलग स्टैट्यूट है, एसजीएसटी का अलग स्टैट्यूट है, आईजीएसटी का अलग है, ऐसे। पर ठीक है, वो अल्टीमेटली है तो वो जीएसटी लॉ। सेकेंड, कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया। तीसरा, डबल टैक्सेशन। कई बार क्या होता था, कुछ चीजों के ऊपर ना डबल टैक्सेशन था। डबल टैक्सेशन मतलब सेम बिल के अंदर दो तीन टैक्स जोड़ा हुआ है, सेम बिल के अंदर दो तीन टैक्स जोड़ा हुआ है, अब वो हट गया, सिर्फ एक ही टैक्स जुड़ेगा। नेक्स्ट, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट होते थे, मैन्युफैक्चर सेल वगैरह, अब सिर्फ एक ही टैक्सेबल इवेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई। पेमेंट करने का अलग अलग जो होता था कि अलग अलग गवर्नमेंट वेबसाइट में पे करो, डिफरेंट वेबसाइट्स, अलग अलग टैक्सेस अलग अलग गवर्नमेंट वेबसाइट में पे होता था, अब सीधा एक ही वेबसाइट है जहां पे होता है, जीएसटी.gov.in।
सिंगल एक ही वेबसाइट, अलग अलग टैक्सेस में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स थे, रिटर्न्स थे, अब नहीं, अब सब सिर्फ जीएसटी के अंदर आ चुका है। जीएसटी रेजीम को बोला जाता है यूनिफाइड लॉ। ओके, ऊपर कर रहा हूं, हल्का चीज था ये। अब आ गया ना बवाल, इंट्रास्टेट 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 इंट्रास्टेट, ऑब्जर्व ओवर हियर, जिस जगह गुड्स या सर्विस ओरिजिनेट किए उनको बोलते हैं ओरिजिन, और जिस जगह वो डिलीवर होगा उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये सर्विसेज जो मैं पढ़ा रहा हूं ये कहां ओरिजिनेट कर रही है? कोलकाता में ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, तुम लोग सर्विसेज कहां रिसीव कर रहे हो? मेरे आंख के सामने, यानी कोलकाता में ही। तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ द सर्विस, द सर्विस ओरिजिनेट्स इन कैलकाटा, द सर्विस रिसीव्ड इन कैलकाटा, ओरिजिन डेस्टिनेशन सेम जगह है, इसको अपने बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। देखो ध्यान से सुनना, अभी मैं अभी इंटर और इंट्रा स्टेट पूरा डिस्कस करने जा रहा हूं, इंटर और इंट्रा। और ये टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है, जोरदार टॉपिक है, नया टॉपिक है पूरा, जो अब तक मेरा डिस्कशन हुआ वो अलग, अब ये। तो एकदम ध्यान से सुनते जाना, पूरा क्लियर होगा, ठीक है? और संग संग अगर नोट बना सको तो और अच्छा है, नोट ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, बिकॉज मैंने मैक्सिमम नोट्स बुक में डाला है। इधर ध्यान से देखो, जीएसटी, मैं अभी जीएसटी के लिए एक डायलॉग लिख रहा हूं, बाद में उस डायलॉग का मतलब बता दूंगा। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ओके, इट इज अ व्हाट? इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसका मतलब बाद में समझ में आएगा, अभी खाली बोर्ड पे रखो। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं है, ठीक है? एकदम सिंपल एग्जाम्पल, मैं पढ़ा कहाँ पे रहा हूँ? कैलकटा। माई सर्विसेज ओरिजिनेट इन विच लोकेशन? कैलकटा। ठीक है, कैलकटा का मतलब कैन आई से डब्ल्यू बी? बिकॉज हमें तो स्टेट का नाम देखना है कि सिटी का नाम देखना है? स्टेट का नाम, तो स्टेट का नाम क्या है? डब्ल्यू बी, वेस्ट बंगाल। अच्छा, डेस्टिनेशन अपना बात करो, तुम कहाँ बैठे हो? ठीक है, तो सेम है, वेस्ट बंगाल, तो इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट, इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। जब जब इंट्रा स्टेट सर्विसेज रेंडर होती है तो जो भी जीएसटी हम लोग देते हैं वो दो भाग में होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी, इन माय केस इट्स 18% सो 99 ईच। जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है एक ही स्टेट में हो रहा है तो कोई झमेला है ही नहीं, बंगाल में सर्विस ओरिजिनेट हुआ, बंगाल में सर्विस रिसीव हुआ, ओरिजिन इन बंगाल, डेस्टिनेशन इन बंगाल, बोथ इन बंगाल। तो ऐसे केस में जो भी टैक्स हम देते हैं वो दो पार्ट में, टुकड़ों में रहता है, सीजीएसटी एसजीएसटी, 9% ईच। अच्छा, ये किसको जाएगा? सीजी। और ये किसको जाएगा? डोंट से एसजी, से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। किसको जाएगा? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये किस चीज के लिए कंटेक्स्ट में था? इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। अब सेकंड सिनेरियो, एक बार ऊपर करते हैं इसको, गौर से देख लो। इंट्रा इंटर को लेके ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोग दिमाग लगाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचने का चीज नहीं है, इट्स क्वाइट सिंपल।
इट्स क्वाइट सिंपल. इंट्रावर्ड का मतलब क्या होता है? इनसाइड. मैं सर्विस आपको किस स्टेट में दे रहा हूं? बंगाल. आपको सर्विस किस स्टेट में मिल रही है? बंगाल. इज इट सेम स्टेट और नॉट? इट इज सेम स्टेट. सो यू कॉल इट व्हाट? इंट्रा स्टेट. इंट्रा स्टेट में व्हाटएवर जीएसटी आई पे, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सीजीएसटी एसजीएसटी. 9% गोज टू सीजी, 9% गोज टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. लेकिन मेरी सर्विसेज तो बाहर भी जाती हैं, फ्रेंचाइजीज हैं इतने सारे, उनमें मेरी सर्विस जा रही है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास राजस्थान में जयपुर, जानते हो जयपुर, जयपुर में मेरी क्लासेस जा रही हैं. सर्विस ओरिजिनेटर कहाँ बैठा है? मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, यहाँ वेस्ट बंगाल. सर्विस रेसिपिएंट कहाँ बैठा है? राजस्थान. सर्विस रेसिपिएंट कहाँ बैठा है? राजस्थान. तो ओरिजिन अलग है और डेस्टिनेशन अलग है. तो ये इंट्रा स्टेट हुआ कि इंटर स्टेट हुआ? इंटर स्टेट. ऊपर करूँ इसको, इधर देखो, दो नंबर. इस बार ओरिजिन कहाँ है? वेस्ट बंगाल. और स्टूडेंट कहाँ रिसीव कर रहा है? राजस्थान. सो डेस्टिनेशन इज राजस्थान. डेस्टिनेशन इज राजस्थान. जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. अच्छा, इस बार भी मेरे पर जीएसटी लगेगा. कितना लगेगा? 18%. लेकिन कैसे लगेगा वो मैं बता रहा हूं. सर्विसेज एक स्टेट में ओरिजिनेट किया, दूसरे स्टेट में रिसीव हुआ. सर्विस एक स्टेट में ओरिजिनेट किया, दूसरे स्टेट में रिसीव हुआ. देखो, नोट्स लिखना तो अच्छा चीज है ही, क्योंकि इससे क्या होता है, नोट्स लिखने से ना एक तुम्हारे हाथ में रिदम आता है, तुम अटेम्प्ट करना सीखते हो. पर फिलहाल ये पहली क्लास है, ये इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे समझना इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके. और मैं तो बार बार तुम लोग को लॉ में भी बोलता हूँ, यहाँ पे ऑडिट में बोलता हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिकल एग्जांपल अपना इससे दे रहा हूँ कि तुम तुरंत इमेजिन कर सको. बिकॉज तुम्हारे लाइफ में ये सब कुछ हुआ, तुम अभी तक काम ही नहीं करना चालू किया ना, तो तुम्हारे लाइफ में ये सब नहीं हुआ है. मेरे में है, इससे मैं बता रहा हूँ. तो एक इमेजिनेशन आ जाता है. मैं यहाँ बैठ के आज पढ़ाया तो सर्विसेज कहाँ डिलीवरी हुआ? राजस्थान में. एक स्टेट से दूसरा स्टेट का मतलब क्या होता है? सो सिंपल, इंटर स्टेट. अब यहाँ पे सुनो, टैक्स कैसे होगा वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है. इधर भी 18% ही है, खाली मेरे को सुनना, मेरे को दो बातें बोलनी है, मेरे को दो बातें बोलनी है. पहली बात, 9% तो सीजी के पास जाएगा, ये श्योर है, कोई डाउट ही नहीं है. 9% किसका हिस्सा बनता है? बचा हुआ जो 9% है वो किसको जाएगा? बंगाल गवर्नमेंट को या राजस्थान गवर्नमेंट को? बंगाल गवर्नमेंट या राजस्थान गवर्नमेंट, दोनों में झगड़ा होगा. सोच के देखो, बंगाल गवर्नमेंट में जो है, सपोज ममता बनर्जी, वो यहां से चिल्लाएगी, यहां से खड़ा होके पहाड़ आया था ये, तो 9% भी ये यहीं पे देगा, वरना इसका पढ़ाना बंद करा देंगे, ठीक है. तो वो अपना 9% यहां मांगेगी, बिकॉज मैं तो पढ़ा तो यहीं से रहा हूं ना, सर्विस तो यहीं से रेंडर हो रहा है. उधर राजस्थान में चीफ मिनिस्टर कौन है मुझे नहीं पता. क्या बोला? अशोक गहलोत. तो राजस्थान में सपोज सचिन, कौन बोला अशोक गहलोत ना, सचिन कहां से आ गया बीच में. तो राजस्थान में सपोज अशोक गहलोत है, वो बोलेगा कि पैसा कहां से दिया गया है, मतलब आई एम रेंडरिंग सर्विस बट somebody इज पेइंग मी मनी. नो, हु इज पेइंग मी मनी? स्टूडेंट. तो पैसा देने वाला जो बंदा है, स्टूडेंट, वो कहां का निवासी है? तो बोला पैसा तो यहां से निकला है, तो कायदे से तो 9% वहां जाना चाहिए, राजस्थान के ग्रोथ में यूज होना चाहिए. उसका भी लॉजिक सही है, इधर इसका भी लॉजिक सही है. कहीं ना कहीं तो एक मन बनाना पड़ेगा कि किसको दो, इधर की उधर. तो फाइनली सरकार ने चुना आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन डिबेट. इन सब पे सालों डिबेट चला है, वरना जीएसटी पता नहीं कब का आ चुका होता. तो फाइनली गवर्नमेंट ने बोला, यार अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो डेस्टिनेशन. जीएसटी का पैसा किस सरकार के पास जाएगा? डेस्टिनेशन, जिधर डेस्टिनेशन है. दैट इज वाई वी से जीएसटी इज अ, तो डेस्टिनेशन कहां है? तो 9% अब किसको जाएगा? राजस्थान गवर्नमेंट. लेकिन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, 9% राजस्थान गवर्नमेंट को देंगे, पर इस तरीके से नहीं देंगे. मैं जो टैक्स पेयर है, मैं सीधा
एक ही टैक्स देऊंगा जिसको बोलते हैं IGST 18%। क्या दूंगा मैं? IG, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब इसके अंदर CGST प्लस SGST जोड़ा हुआ है, ठीक है? इसके अंदर दो चीज जोड़ा हुआ है, 9% जोड़ा हुआ है। मतलब मुझे नौ नौ करके नहीं देना, तुम लोग के बिल में मैं नौ 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 करता हूं ना बैठ के, इनके बिल में जब मैं राजस्थान के शून को बिल दूंगा तो मैं उसमें नौ नौ करने वाला नहीं हूं। मैं क्या दूंगा उसमें? सीधा एक, मैं उसमें एक साथ ही दूंगा IGST 18%। तुम्हारे में मेरे को 99 करना पड़ता है, उनके में 99 नहीं होता, उनके में सीधा एक बार मैं 18% देता हूँ। इंटीग्रेट का मतलब क्या? जोड़ दो। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? जोड़ दो। तुमको इंटीग्रेशन का सिंबल याद है? इट वॉज लाइक दिस, अगर तुम स्कूल में पढ़ाए तो इससे क्या मिलता है हमको? IGST। दो चीज जोड़ के आ रहा है क्या? IGST। तो मैं सीधा एक बार में IGST दे दूंगा, ये किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका अपने आप टुकड़ा टुकड़ा करेगा, मैं टुकड़े करने वाला नहीं हूं। इंट्रा स्टेट में मैं टुकड़ा टुकड़ा कर रहा था 9% CG 9% SG, यहां मैं टुकड़ा करने वाला कोई नहीं होता हूं, इंटर स्टेट हो गया वन इंडिया। वो अपने डायलॉग देखे थे ना, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो अब वन नेशन को वन मार्केट माना जा रहा है, मतलब पूरा इंडिया एक सिंगल मार्केट है, पूरा इंडिया एक सिंगल मार्केट है। तो इंडिया को अगर सिंगल मार्केट मानेंगे तो सरकार भी एक होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं 18% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? 9% खुद रखेगा और 9% किसको दे देगा? राजस्थान गवर्नमेंट को। 9% खुद रखेगा जो कि उसका हक बनता है, और 9% किसको दे देगा? राजस्थान गवर्नमेंट को पकड़ा देगा 9%, ठीक है? मैं नहीं करने वाला ये काम। आई एम नॉट गोइंग टू पे लाइक दिस कि CGST 9% एंड SGST 9%, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? मैं IGST करूंगा। एक डाउट आएगा, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? आई कुड हैव डन इट नो, मैं भी तो चाहता ऐसा कर सकता था पर मैं नहीं कर सकता। सुनो, मेरा GST रजिस्ट्रेशन कहाँ का है? बंगाल का है। अरे मुझे GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ना, तुम लोग जो पैन नंबर का रजिस्ट्रेशन लेते हो ना, वो पूरे भारत का एक होता है, तुम लोग जानते हो बात? तुम लोग जो पैन नंबर लेते हो, मेरे पास भी पैन नंबर है। पैन नंबर जो तुमको मिलता है वो किसी स्टेट का नहीं, पैन नंबर पूरे क्यों पूरे भारत का है? बिकॉज पैन नंबर इनकम टैक्स में काम आता है, और इनकम टैक्स किसी स्टेट को नहीं जाता, इनकम टैक्स गोज टू, इनकम टैक्स का जो भी पैसा मैं देता हूँ वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता, किसको जाता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इनकम टैक्स क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, इसीलिए पैन पूरे भारत का है, पैन अलग अलग स्टेट का नहीं होता। लेकिन जो GST रजिस्ट्रेशन लिया जाता है ना, ये आपके ऑफिस पे डिपेंड करता है। मेरा ऑफिस कहाँ है? दिस इज माय रजिस्टर्ड ऑफिस। LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? ये है LLP का रजिस्टर्ड, 4 नंबर आर एन मुखर्जी रोड कोलकाता 700001। तो मेरा जो GST रजिस्ट्रेशन है किस स्टेट का है? वेस्ट बंगाल। अब अगर मैं राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहता हूं, तुमको पता है क्या करना पड़ेगा मेरे को? मेरे को राजस्थान स्टेट में भी जाके GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तुम बोलोगे ले लो, अरे ऐसे ले लो थोड़ा होता है, यहां पर तो साल में 12 बार बैठ के रिटर्न जमा करते हैं, फिर राजस्थान में भी 12 बार जाके रिटर्न जमा करना पड़ेगा, ऊपर चले जाऊंगा पढ़ाना हो जाएगा बंद, ठीक है? अगर जितने स्टेट्स में मेरी सर्विसेज जा रही है, अगर उतने स्टेट्स में मैंने GST रजिस्ट्रेशन ले लिया, यू जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ कंप्लायंसेज आई विल हैव टू डू। मैं रिलायंस हूं क्या? रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर, ये सब बड़ी कंपनियां क्या करती है? हर स्टेट में ले लेती है रजिस्ट्रेशन, उनको झमेला नहीं है। हम लोग हुए नॉर्मल बिजनेसमैन, हम लोग इतने स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, कहां लेते हैं? एक जगह। तो आई एम एक्चुअली नॉट एलिजिबल टू पे GST टू राजस्थान गवर्नमेंट बिकॉज मेरा रजिस्ट्रेशन कहां का है? नवाब, समझ रहे हो? तो मैं क्या दूंगा सरकार को, बोलो, भारत सरकार को? IGST। भारत सरकार अपने आप टुकड़े टुकड़े करेगा, 9 अपना रखेगा, 9 राजस्थान गवर्नमेंट। अच्छा सोचो, मेरा एग्जाम्पल तो हो गया, अब मैं तुमको थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिलायंस कंपनी? बहुत बड़ा कारोबार है इनका यार, ये लोग हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, रिलायंस का तो हर जगह दफ्तर हो सकता है, वहीं से डायरेक्ट सर्विस। राजस्थान, उन्होंने राजस्थान का भी GST रजिस्ट्रेशन ले लिया और
बंगाल का भी। अब अगर राजस्थान में बैठ के वो लोग जीएसटी सर्विस अपना मतलब कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो वो इंटरस्टेट है वहां के लिए, और बंगाल में कुछ अगर माल बेच रहे हैं तो वो बंगाल के लिए इंटरस्टेट है, तो इंटरस्टेट का झमेला ही उनके लिए हट जाएगा, उनके लिए बचेगा ही क्या, सब कुछ इंट्रा। तो वो तो स्टेट अवे स्टेट गवर्नमेंट में डाल सकते हैं, हम और तुम नहीं। मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ का है तो आई विल पे वॉट, आई जी एस टी 9% गोस टू सी जी, 18 में एक बार दे दूंगा सी जी को, सी जी अपने आप बैलेंस दे देगा उनको, ये क्लियर है एकदम, ठीक है। तो अभी इस डिस्कशन में मैंने 3 नाम बोले हैं, सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी, आई जी एस टी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स। अब कुछ और नया डिस्कशन, यूनियन टेरिटरी जानते हो? अच्छा, एक्चुअली स्पीकिंग एज ऑफ नाउ हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, 28। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर, 9 ना, बट फॉर योर एग्जाम 7, एंड हाउ मेनी स्टेट्स, ठीक है। तुम्हारे लिए मैं भी तुमको दिखा देता हूँ, टोटल 37 है, ओके okay? इधर ये देखो, इधर पेज नंबर है 6, पेज नंबर है 6, क्या लिखा है बोल भाई, स्टेट्स यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी वो होता है। सुनो एक चीज तुम लोगों को यूनियन टेरिटरी का मतलब मैं बता देता हूँ, जिनको पता है गुड, नहीं पता सुन लो मेरे से। यूनियन टेरिटरी स्ट्रेट अवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, एक बार फिर से सुन लो, यूनियन का मतलब क्या है, सेंट्रल, यूनियन का मतलब क्या है, सेंट्रल। तो यूनियन टेरिटरी मतलब सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का इलाका, किसका इलाका, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलाका, करेक्ट है, एकदम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ वी हैव गॉट 9 यूनियन टेरिटरीज एज ऑफ नाउ, पर तुम्हारे एग्जाम के लिए मैं कितना बोलूंगा, 7, ठीक है, 7 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में जनरली स्पीकिंग अपना खुद का विधानसभा विधान परिषद नहीं होगा। बंगाल इज अ स्टेट, बंगाल हैज गॉट अ सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहीं से बगल में थोड़ा सा विधानसभा विधान परिषद है कि नहीं, यू नो विधानसभा विधान परिषद, ठीक है, बीच में हल्ला भी आया था ना, जो हमारे गवर्नर उनको घुसने नहीं दिया था विधानसभा विधान परिषद में, तो वो भी पूरा प्रॉपर इंटरव्यू देके एकदम मीडिया का लश्कर लेके उसका मतलब टीएमसी का बुराई किए थे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम लोग का स्टेट का अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, यूनियन टेरिटरी का नहीं होता है, यूनियन टेरिटरी का सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता है, वो डायरेक्टली उसके लिए कानून कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं, 7 में से 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिनका कानून वो खुद बनाते हैं, विच हैव अ लेजिस्लेटिव, 1 पुडुचेरी, पुडुचेरी का नाम पहले नाम हुआ करता था पौंडीचेरी, अभी क्या हो गया, पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी बोला जाता है कि घूमने की जगह, मैं ऑडिट पे गया था तो मेरे को घूमने लायक कुछ लगा नहीं, वो बात और है, ठीक है, मतलब तो काम पे गया था ना, ऑडिट पे गया था, तो बोला था पुडुचेरी घूमने की जगह, डोंट नो, एक केमिकल कंपनी की ऑडिट पे गया था, दिमाग खराब हो गया था एकदम, ठीक। दिल्ली एंड पुडुचेरी ये दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी, इनका खुद का अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली है कि नहीं है, कभी तुमने कभी भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के विधानसभा में चिल्लाते हुए तो देखा ही होगा, वायरल है यूट्यूब पे, वही वाला हाँ, कुछ जन जो देखे, ठीक है। तो दिल्ली का जो विधानसभा है उसमें अरविंद केजरीवाल का वीडियो देखा तो होगा, तो दिल्ली हैज अ सेपरेट विधानसभा, सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सेम गोस फॉर पुडुचेरी, इसीलिए इनको यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी ना, यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी दे आर ट्रीटेड एज स्टेट।
यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी दे आर ट्रीटेड एज स्टेट अंडर जीएसटी। अरविंद केजरीवाल हमेशा ये आवाज उठाते ही रहते हैं कि दिल्ली को पूरा कंप्लीट स्टेट बना दो, क्योंकि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है। मतलब सोचो कितना अजीब बात लगता हो कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो है वो दिल्ली के पुलिस को कंट्रोल नहीं करता, दिल्ली पुलिस उसको हड़का के जाती है। मतलब कैसा फील होता होगा तुम इमेजिन करो, ठीक है? मतलब घर में इज्जत नहीं, इट्स लाइक दैट। ओके, घर में इज्जत नहीं, मेरे को आई हैव सम काइंड ऑफ फीलिंग अबाउट दैट। मतलब अरे सच्ची में मेरे घर में उतना इज्जत नहीं है, ठीक है? बोलूंगा तो कोई जवाब ही नहीं देगा। ओके, सब कोई घर में चार बात सुना के ही चलते हैं मेरे को, ठीक है? दादा सोचो, वो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का और दिल्ली पुलिस उसके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो चाहता है कि दिल्ली को एक कंप्लीट स्टेट बना दिया जाए, तो फिर सब कुछ उसके कंट्रोल में आ जाएगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो। तो फिलहाल जीएसटी पर्पस के लिए तो उनको जाके खुशखबरी दे दो कि देखो एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न यू आर अ सेपरेट स्टेट, बी हैप्पी, ठीक है? तो उस मामले में एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी। यहाँ पे देखो टोटल 37 नाम है, आंध्र प्रदेश दो बार आया है, चेक। आंध्र प्रदेश दो बार आया है, ठीक है? अभी भी इनके साइट में दो अलग अलग दिखा रहा है। और ये 37 की लिस्ट में लद्दाख नहीं है, हेलो, लद्दाख नहीं है, उसके बदले क्या है? जेके स्टेट। दिस इज व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन राइट नाउ। ये नहीं कि ये तुम्हारे एग्जाम के लिए, अभी यही है जीएसटी के साइड पे, अभी यही है कि टोटल 37 स्टेट्स बनाए गए हैं, विच इंक्लूड्स ऑल यूनियन टेरिटरीज आल्सो, ठीक है? पर लद्दाख और जेके को अलग अलग नहीं किया, जेके स्टेट ही है, लद्दाख इसमें नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है? इसमें तुम देखो सब कवर्ड है एकदम। दमन एंड दीव सुने हो क्या है? बोलो तो, यूटी। दादर एंड नगर हवेली यूटी, लक्षद्वीप यूटी, पुडुचेरी वो तो है ही, दिल्ली ऊपर कहीं होगा, दिल्ली मिला, चंडीगढ़ यूटी, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, एक और बच गया, ये रहा नीचे, ओ बाप रे, अंडमान निकोबार। ओके, तो ये 7 यूटी एबीसी में इंक्लूड किया हुआ है अभी तो। ये यहां तक क्लियर है कि यूटी का सीन भाई, इतना क्लियर है? अच्छा, वो ऊपर तुम लोगों ने वो दिल्ली वाली बात लिख ली क्या? दिल्ली एंड पुडुचेरी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी आर रिगार्डेड एज सेपरेट स्टेट। अब मैं तुम लोगों को इसका थोड़ा सा सेंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्लियर है? देखो इधर ध्यान से, अब मेरा एग्जांपल नहीं है, अब डिफरेंट एग्जांपल है। ओके, अब मेरा एग्जांपल नहीं है, अब डिफरेंट एग्जांपल है, ठीक है? जस्ट बातचीत के लिए, दमन एंड दीव क्या है? ये महाराष्ट्र के करीब पड़ता है, ठीक है? ये सब टापू टाइप के होते हैं, मतलब आइलैंड। ओके, बहुत सारी कंपनीज का फैक्ट्री भी है यहां पे। ओके, है ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहां हो रहा है? दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी। डेस्टिनेशन कहां है? दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी। इट्स अ केस ऑफ ठीक है, इंट्रा स्टेट में एक टैक्स आता है कि दो टैक्स आता है? इंट्रा स्टेट है,
इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर ही है, तो कोई किसी में झगड़ा तो माल ओरिजिनेट भी दमन एंड दीव में हुआ और यूज भी या सेल भी दमन एंड दीव में हुआ, तो स्टेट का झमेला तो है नहीं, तो दो टैक्स देते हैं ना, वो दो टैक्स का यहां पे नाम क्या होगा सुन लो, जीएसटी, दो पार्ट तोड़ो, सीजीएसटी, लेकिन अभी कुछ जबरदस्त होगा, ये दोनों का दोनों जाएगा सीधा सीजी के पास, नॉर्मली जब इंट्रा स्टेट होता है तो दो टैक्स देते हो, यहां भी दो टैक्स दे रहे हैं सीजीएसटी जो टीजीएसटी, पर दो जब दो टैक्स देते हैं तो जाता अलग अलग के पास है ना, सीजीएसटी गोस टू सीजी, एसजीएसटी गोस टू द स्टेट गवर्नमेंट, हियर इट गोस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, हियर इट गोस टू, क्योंकि यूनियन टेरिटरी किसके कंट्रोल में आता है, सीजी, तो ये पैसा भी यूनियन टेरिटरी के पास नहीं रहता, ये किसके पास जाता है, सीजी के पास ही, तो पूरा का पूरा 18% किसके पास जाता है, सीजी के पास, ओके यहां तक क्लियर है, लेकिन अगर मान लो यहीं पे दमन एंड दीव नहीं हो, ओके मैं दिल्ली दिल्ली लिख देता तो दिल्ली को हम लोग यूटी मानते हैं कि स्टेट मानते हैं फॉर जीएसटी पर्पस, तब जो 9% होता वो सीजीएसटी एसजीएसटी, दिल्ली सरकार को 9%, राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट को 9%, पर दमन एंड दीव में देखो देते दो अलग अलग है पर जाता सब एक ही जगह है, ठीक है ना, आईजीएसटी से इसकी तुलना करो, आईजीएसटी में तुम्हारे पास डायग्राम बनाया हुआ है ना कॉपी में, अच्छा देख लो ऊपर देख लो, आईजीएसटी में देते एक है, हेलो आईजीएसटी में देते एक है, टुकड़े दो हो जाते हैं, यूटी के केस में इंट्रा स्टेट में देते दो हैं और वो उल्टे बाद में जाके कंबाइन हो जाता है, बिकॉज दोनों जाता कहां है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये आईजीएसटी का मतलब थोड़ा अलग है, आईजीएसटी में तुम देते हो 18, गवर्नमेंट दो टुकड़े करती है, यहां तुम दो टुकड़े करके देती हो, जाता सिर्फ एक सरकार के पास है जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यहीं पे अब हम लोग थोड़ा दिल्ली का बना दें, ओके दिल्ली, दिल्ली ओरिजिन डेस्टिनेशन, तो इंट्रा स्टेट है और दिल्ली को माना जाता है एज अ सेपरेट स्टेट, दिल्ली को क्या माना जाता है, सेपरेट स्टेट, तो यहां जीएसटी दो टुकड़ों में जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, अच्छा ये टॉपिक अभी कंप्लीट होता है, इसके ऊपर ना मैं कुछ एग्जांपल्स बुक में कराऊंगा सीधा, ये बात ध्यान से सुनो, अभी यहाँ पे टोटल कितना नाम सुनने को मिला, मेरे को 4 नाम सुनने को मिला, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी, 4 नाम सुनने को मिला, ठीक है 2 नाम और क्या सुनने को मिला, इंट्रास्टेट 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 इंट्रास्टेट, ठीक है, फिर मेरे को ये समझ में आया कि हम लोग टैक्स कई बार ऐसा होता है कि एक देते हैं गवर्नमेंट दो टुकड़ा करती है, विच हैपेंस इन आईजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी केस में उल्टा हम देते हैं दो टुकड़ों में, गवर्नमेंट उसको एक में डालती है सीजी के अंदर, तो अब इसी चीज को थोड़ा सा अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, नोट्स पे आओ, ये रहा पेज नंबर 8, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे, तो प्लीज मैं चाहता हूं अपना खोपड़ी लगाने का, बनाया हुआ है तुमको खाली थोड़ा बहुत मेहनत करना, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ऊपर नाम पढ़ो, नाम कितना है, अरे 4 नाम है, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यूटी राजस्थान टू राजस्थान, एक सेकंड एक एक करके जवाब देना, पहला ये राजस्थान का एक्चुअल मैप है भाई, ओके राजस्थान टू राजस्थान, ओरिजिन सेम प्लेस डेस्टिनेशन, तो यू टेल मी इंट्रा या इंटर,
अरे इंट्रा की इंटर इंट्रा अच्छा इंट्रा में क्या अलग अलग स्टेट में कोई लड़ाई झगड़ा है क्या? नहीं, अरे वो एक ही तो है, तो जो पैसा जाना एक ही को जाएगा। तो यहां पे हम लोग दो जीएसटी देते हैं ना, नाम छोटा छोटा लिखना, बड़ा मत लिखना, एक बार देख लो, नहीं तो रुक जाओ देख लो, कांड मत करना फालतू का। सी जी एस टी विजिबल है क्या? ठीक है, एस जी एस टी हम लोग एक टैक्स देंगे कि दो टैक्स देंगे? दो टुकड़ों में देंगे, हम दो टुकड़ों में देंगे। सी जी एस टी कितना कितना? मेरे सारे एग्जांपल में 18% लेके चलना, नौ नौ। तो पहला तो ये जो है कि भाई टैक्स का नाम क्या, टैक्स का नाम बोलो देखिए, सी जी एस टी एस जी एस टी। अब मेरा तीसरा सवाल है तुमसे, मैं लाइन बाय लाइन तुमसे तीन सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल होगा हमेशा, और बहुत सारे हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगा, पूरा रट्टा हो जाएगा एकदम। इंट्रा की इंटर मेरा पहला सवाल रहेगा, तुमने सही बोला राजस्थान टू राजस्थान इज इंट्रा, नो डाउट, एकदम इजी। सेकंड मेरा डाउट तुमसे रहेगा कि यहां पे हम लोग कितने तरह के टैक्स दे रहे हैं, एक या दो और उनका नाम, एक या दो और उनका नाम, ये मेरा दूसरा सवाल है। तो यहां पे ऑब्वियसली हम लोग दो टैक्स दे रहे हैं, और उनका नाम क्या बोलो, सीजीएसटी एसजीएसटी, सही। मेरा तीसरा सवाल, पैसा किसके पास जाएगा? तो टोटल तीन सवालों का जवाब देना हर बार, कॉपी। और जब दिल्ली दिख जाए ना या पुडुचेरी दिख जाए ना तो सावधान, पहले क्लियर है कि नहीं है भाई? क्लियर है, ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक देख रहे हो ना, इतना समझ आएगा इसमें अभी नीचे कि तुम्हारा याद हो जाना चाहिए एकदम क्लियर। मिस्टेक नहीं, मैं धीरे धीरे बता दूंगा इसमें। वैसे भी लास्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक का एक्साइटमेंट अलग ही होता है, क्योंकि छुट्टी मिल जाएगी ना इसके बाद, मजा आएगा। फिर जब कैमरा बंद होगा तभी सुनेगा मेरे से, ठीक है। हाँ इधर इधर, अच्छा कितना स्टेट्स दिख रहा है अपने को? राजस्थान, दोज यू डोंट नो आई विल टेल यू, नीचे का जो ट्रायंगुलर भाग है ना इंडिया का मैप का ट्रायंगुलर भाग, उसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये बेकार आदमी एकदम, इसमें जो ये वाला पोर्शन नीचे वाला, ये है तमिलनाडु, ठीक है। राजस्थान तमिलनाडु, ऑब्वियसली एक स्टेट नहीं है, दो अलग अलग स्टेट है। राजस्थान में गुड्स ओरिजिनेट हुए और डिलीवरी कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु। तो इंटर है कि इंट्रा है? राइट, प्लीज, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हम यहां पर कितने टुकड़ों में टैक्स देंगे और उनका नाम? इंटर स्टेट है तो झगड़ा है कि नहीं है? झगड़ा है, तो झगड़े का सेटलमेंट मैं करूंगा कि सीजी करेगा? तो मैं तो पैसा किसको दे दूंगा? तो मैं तो एक ही साथ दूंगा पैसा, मैं एक ही टैक्स दूंगा, नाम बोलो। ये पैसा किसको जाएगा? लिखा इतना सबने, ये पैसा एक बार शुरू में किसको जाएगा? लेकिन फिर सीजी क्या करेगा, 9% रख लेगा अपने पास और 9% दे देगा इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट को, ठीक है। देखो देखो देखो, एक बार देखो प्लीज बोर्ड पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं 18 दिया, पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बदमाशी नहीं करने वाला, 9 खुद रखेगा और 9 किसको देगा बोलो, ओरिजिन वाले स्टेट को कि डेस्टिनेशन वाले स्टेट को? हाँ, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो डेस्टिनेशन वाले गवर्नमेंट को मिलेगा। डेस्टिनेशन कौन है बोलो? तमिलनाडु। तो 9% उनको भेज देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है ये। अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है। देखो क्या है कि पढ़ते वक्त जैसे तुमको डाउट्स आते हैं ना 50 तरह के, मेरे को भी भयंकर डाउट्स आते हैं पढ़ते वक्त। और मैं एक बात देखा कि व्हेन आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दिस, मेरे को ये दो एग्जांपल समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ चुका था, परंतु जब वापस से अप्लाई करना पड़ा ना तब गड़बड़ हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब एक चीज़ है कि समझ में आ गए पर अभी इतने केपेबल नहीं हुए कि तुरंत अप्लाई कर सके,
मेरे बोलने पे समझ में आ रहा है, पर इतने केपेबल अभी नहीं हुए हैं कि खुद का खुद तुरंत अप्लाई कर सके। तो दैट इज व्हाई प्रैक्टिस इज नीडेड। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर खुद अप्लाई करने लग जाओगे उसको, तब अटकोगे नहीं। फिर से भी नया केस आ गया है, ठीक है। हड़बड़ी मत करना, रैंडम मत सोचना। लफड़ा वही होता है जब स्टूडेंट रैंडम सोचना चालू कर देता है। देखो भाई, जीएसटी ना इनकम टैक्स ऐसा नहीं है कि लंबा लंबा सम्स आया, खींच के नंबर टाने, कैलकुलेटर, मजा आ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। जीएसटी में छोटे छोटे सम्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती है, तुम ध्यान से अटैक करना होता है। तो अपने आप जो एक होता है ना कि खुद से हो रहा है, सिस्टमैटिक सोचोगे तब होगा, रैंडम सोचोगे तो नहीं, ठीक है। लेवल बाय लेवल सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल यहां पर हमें क्या दिख रहा है, एक स्टेट की दो है, क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश अलग है और चंडीगढ़ से यूनियन टेरिटरी अलग है, तो सेम स्टेट तो नहीं है, अलग अलग है। तो इंट्रा की इंटर, धीरे धीरे सोचना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ डेफिनेटली अलग, तो इट्स नॉट इंट्रा, इट इज इंटर। नाउ इंटर स्टेट के केस में मैं सप्लायर, मैं दोनों का पंगा सॉल्व करूंगा कि सरकार सॉल्व करेगी? तो मैं एक दूं कि दो दूं? मैं एक ही टुकड़े में दे देता हूं। आई जीएसटी 18%, मैं थोड़ा दोनों का पंगा बैठ के सॉल्व कराऊंगा। मैं एक दे दूंगा अपना IGST 18%। किसको जाएगा सर ये? सीजी को। नाउ वेट, टिपिकली क्या होता, टिपिकली ये होता, डोंट ड्रॉ, ठीक है। टिपिकली ये होता कि तुम बता सर सीजी को दोगे तो सीजी 9% तो खुद रिटेन कर लेगा। ये रॉन्ग है, एक बार ध्यान से देखो। और 9% समझ लो, ऊपर आंसर तो यही आया था, ऊपर देख यही तो हुआ था, तमिलनाडु को 9 भेज दिया था। लेकिन अभी देख ये चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी, किसके कंट्रोल में आता है? तो 9% उसको देगा कि खुद रिटेन करेगा? नाउ यू कैन कॉपी, खुद तो रिटेन करेगा पर एक सेपरेट अकाउंट में रिटेन करेगा, खुद ही रिटेन करेगा, क्योंकि चंडीगढ़ बीइंग अ यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ही रिटेन करेगा वो पैसा, पर एक अलग से रिटेन करेगा, ठीक है, अलग से। देखो दो तीन चीज है ध्यान से एकदम। सबसे पहले तो तुम ये सोचो, इंटर है कि इंट्रा है? सेम स्टेट नहीं है ना, दोनों तरफ सेम मैप है। अलग अलग है, तो इंटर है कि इंट्रा है? इंटर। अच्छा, इंटर में हमेशा झमेला होता है कि 9% किसको जाएगा? तो मैं झमेला सल्टाने वाला कोई नहीं होता, मैं सप्लायर हूं, नॉर्मल इंसान, मैं एक ही बारी में दे दूंगा IGST 18%, किसको जाएगा? सीजी। अब तीसरा सवाल, सीजी क्या करेगा उसका? 9% तो अपना रखेगा, ये सबको मालूम है। अब 9% जो बचा हुआ, जिसपे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का हक है, वो चंडीगढ़ सरकार को नहीं दे सकता, बिकॉज चंडीगढ़ सरकार किसके कंट्रोल में है? सीजी के। तो सीजी अपने पास ही रखेगा इन अ सेपरेट अकाउंट। प्लीज ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन तमिलनाडु वाला केस एंड चंडीगढ़। तमिलनाडु वाला केस में 9% सरकार तमिलनाडु सरकार को दे दिया था, सीजी पेड इट टू तमिलनाडु, हियर इट कीप्स विद इटसेल्फ इन अ सेपरेट अकाउंट। अब थोड़ा देखो इधर कौन, चंडीगढ़, उधर कौन, दिल्ली। इंटर की इंट्रा? एक एक स्टेप बाय स्टेप सोचना, कांड नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू। चंडीगढ़ दिल्ली अलग है तो इंटर। अच्छा, इंटर में कैसे बांटना है झमेला? मैं पालूंगा, सप्लायर पालेगा? नहीं, वो तो एक ही बार में दे देगा IGST 18%, किसको जाता है? अब बताओ क्या होगा, 9% रिटेन। अच्छा, बैलेंस 9% का बोलो क्या करना है। आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस,
वो बैलेंस वाला 9% का मैं आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस, कीप इट विथ इटसेल्फ इन अ सेपरेट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन गिव इट टू केजरीवाल. क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी को सेपरेट स्टेट माना जाता है, मतलब स्टेट माना जाता है जीएसटी में, ठीक है. हाँ हाँ सुन लिया शांति. ठीक है, अरे क्लियर है क्या, ऊपर करें इसको, हो गया, अरे डाउट नहीं है ना. इधर अब देखो क्या हो रहा है, केजरी टू केजरी, मतलब दिल्ली टू दिल्ली, ठीक है. क्या यार गड़बड़ हो गया, ये नाम वाम नहीं लेना चाहिए था मेरे को, छोड़ो ठीक है. श्री अरविंद केजरीवाल टू श्री अरविंद केजरीवाल, ठीक है, दिल्ली दिल्ली सिटी टू दिल्ली सिटी. अच्छा ये इंट्रा है कि इंटर है, सो दिल्ली टू दिल्ली इज व्हाट, इंट्रा स्टेट, ठीक है. अच्छा इंट्रा स्टेट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, किसको पैसा देना है? अरे क्या डाउट है क्या, किसको पैसा देना है? दोनों लेने वाले भी, मतलब ओरिजिन और डेस्टिनेशन, ओरिजिन और डेस्टिनेशन सेम है, तो मैं अपने आप ही आधा आधा बांट कर दे सकता हूं. तो एल पे सीजीएसटी, एल पे एसजीएसटी 9% सीजीएसटी का पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. अच्छा नॉर्मली तो यूनियन टेरिटरीज में पैसा रहता नहीं, वो जाता सीजी के पास है, लेकिन क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी स्टेट्स माने गए हैं फॉर जीएसटी पर्पस, तो दिल्ली वाला जो 9% है वो दिल्ली सरकार के पास ही रहेगा, तो लिख दो दिल्ली गवर्नमेंट. कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो मत हंसो. ठीक है उपमुख है दिल्ली टू अंडमान, दो अलग अलग हो गया. इंटर की इंट्रा, ऊपर क्या था, ऊपर क्या था इंट्रा, नीचे क्या है इंटर, ऊपर इंट्रा नीचे इंटर. अब देखो दो अलग अलग लोग हैं, फिर से आपस में झमेला करेंगे, तो मैं तो झमेला रखने वाला नहीं. आई एल पे 1 आई जी एस टी, इट गोज फर्स्ट टू, व्हाट विल सी जी डू, क्या बोला 9% अंडमान सरकार को, नहीं बस 5 मिनट है फिर देख. ठीक है, अरे क्लियर है कि नहीं है, ऊपर करें. अब देखो अंडमान टू अंडमान, इधर देखो. अच्छा अंडमान टू अंडमान जो है सेम हुआ ना कि अलग अलग हो गया, सेम. ठीक है इधर, अरे दोनों अल सेम ही तो ऐसे था, तो आई हैव टू राइट इंट्रा स्टेट. जो तबाही होना तो हो चुका, कुछ नहीं कर सकते. इधर देखो अगली बार थोड़ा केयरफुल होऊंगा मैं, इंट्रा स्टेट
अच्छा इंटरेस्ट में तो सेम ही को मिलने का है, तो अपने को झमेला नहीं है, तो अपने अलग अलग दे सकते हैं, दो अलग अलग सीजीएसटी यूटीजीएसटी। सीजीएसटी किसको जाएगा? सीजी। यूटीजीएसटी भी किसको जाएगा? सीजी। ओके इधर मेरा बात को सुनेगा सबको एक बार, ये पहले क्लियर नहीं था तो अभी बात करें। जब भी ये इंटर इंट्रा आता है, आई एम टेलिंग यू कंफ्यूजन मचेगा। अपने आप से स्टेप बाय स्टेप सवाल पूछना। स्टेप नंबर वन, इंटर है कि इंट्रा है? स्टेप नंबर टू, आर यू डिवाइड, आर यू पेइंग इन टू पार्ट्स और वन पार्ट? ठीक है, एंड व्हाट इज द नेम? कई बार नाम होगा सीजीएसटी एसजीएसटी नो, कई बार नाम होगा आईजीएसटी 18, कई बार नाम होगा सीजीएसटी यूटीजीएसटी नो। तीसरा, अपने आपसे सवाल पूछना, मनी गोज टू विच गवर्नमेंट? ठीक है, अब सीजी का पैसा तो सीजी के पास, एसजी का पैसा एसजी के पास, आईजी का पैसा एक बार तो पूरा 18% सीजी के पास, सीजी उसमें 9 अपना रखेगा और 9 किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को। यूटी एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी, यूटी का पैसा यूटी गवर्नमेंट के पास जाएगा क्या? किसके पास? सीजी इन अ सेपरेट अकाउंट। ठीक है, हम लोग की टाइमिंग्स मैं बता चुका हूँ, मंडे वेडनेसडे बोलो फ्राइडे संडे 11 बजे। ठीक है, ओके, तो कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा, यू नो द टाइमिंग्स।